Hi everyone, good morning. कितने स्टूडेंट्स आ गए हैं? All right, good morning Saket, good morning Harsh, good morning Rohan. Hi Ishan. Hi everyone, all right. So today we have the 12th lecture in the series of atomic structure. Now, in the last lecture, मैंने आप लोगों के साथ में results of quantum mechanical model discuss किए थे, if I remember correctly. We spoke about the concept of orbitals and quantum numbers. देन उसके बेस उसके ऊपर बेस मैंने आप लोगों को कुछ होमवर्क भी दिया था. आई थिंक बुकलेट का होमवर्क वॉज समथिंग विच वॉज स्ट्रेट फॉरवर्ड. उसमें खास कुछ दिक्कत नहीं आई होगी आपको. ऑल्दो मैंने वीडियो एक्सप्लेनेशन भी आप लोगों के साथ में शेयर कर दिए थे. देन आई हैड ऑल्सो शेयर्ड सर्टन डी पी पीज विद यू. आई थिंक 15, 16, 17, 18 तीन चार डीबीपी शेयर करी थी लास्ट वीक. सो डेफिनेटली आप लोगों ने वो भी आई होप अटेम्प्ट करी हैं. ठीक है, उनमें कुछ डाउट वगैरह रहेगा तो हम लोग देख लेंगे. हाँ हृदय, आई अंडरस्टैंड. डीबीपी का क्वेश्चंस एक दो जो रहेंगे मैं आपके साथ डिस्कस कर लूंगा, बट नॉट अभी, नॉट इन द स्टार्ट ऑफ द लेक्चर. मे बी जब बीच में ब्रेक दूंगा या फिर टुवर्ड्स द एंड. ठीक है, वी कैन डिस्कस. ऑल राइट, सो जस्ट टेकिंग अ क्विक नोट ऑफ व्हाट वी हैड डन एंड व्हाट वी आर गोइंग टू डू टुडे. सो जस्ट टेकिंग अ क्विक लुक ऑफ व्हाट वी डिड इन द लास्ट क्लास. हम लोगों ने क्वांटम नंबर्स का डिस्कशन किया था एंड हमने पहले तीन क्वांटम नंबर्स प्रिंसिपल एजिमुथल एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स इन तीन के बारे में डिटेल में डिस्कशन किया था. दैट व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्बिटल्स डू दे डिस्क्राइब एंड व्हाट आर देयर अलाउड वैल्यूज. बेस्ड ऑन दैट वी अंडरस्टूड दैट अ सेट ऑफ थ्री क्वांटम नंबर्स डिस्क्राइब्स अ यूनिक ऑर्बिटल एंड देन वी यू नो टुक अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स टू अंडरस्टैंड हाउ ऑर्बिटल्स आर गिवन देयर नेम्स. Then we did a couple of questions from the booklet itself, trying to understand these allowed values of quantum numbers. And then we spoke about the next set of result, which is the relative order of energy of orbitals and their angular momentum. So इसमें मैंने आपको relative order of energy of orbitals बताया for single electron and multi electron species, how we have to work on it. And then I talked about the concept of degenerate orbitals and degeneracy. ठीक है, then we did a discussion on the orbital angular momentum, in which we spoke about the concept of quantization of magnitude as well as direction. ठीक है, orbital angular momentum के बारे में बताया था मैंने आपको. दैट दिस इज बिकॉज ऑफ द 3D मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस एंड इसका मैग्नीट्यूड इज क्वांटाइज्ड एज वेल एज इट्स डायरेक्शन इज ऑल्सो क्वांटाइज्ड विच कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम दीज टू फॉर्मूलाज. देन टुवर्ड्स द एंड हम लोग स्पिन क्वांटम नंबर एंड स्पिन एंगुलर मोमेंटम भी समझना चाह रहे थे. ऑलराइट, सो यहीं से कंटिन्यू करते हैं आज का डिस्कशन. Now, let me put the heading. Spin quantum number, इसको हम लोग m subscript s से represent करेंगे. ठीक है, and spin angular momentum. ठीक है, so while discussing this,
मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में एक बैकग्राउंड दिया था अबाउट एन एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड बाय स्टर्न एंड गैलार्क. ठीक है, ये सिलेबस का पार्ट नहीं है बट इसके बारे में मैंने आपको एक ब्रीफ आइडिया दिया था बिकॉज इट हैज एन इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन दैट लेड टू द फॉर्मुलेशन ऑफ द स्पिन क्वांटम नंबर एंड द स्पिन एंगुलर मोमेंटम. ठीक है, सो यहां पर नोटिस करना, आई विल राइट डाउन द फाइनल आउटकम दैट केम आउट ऑफ इट. ठीक है, लेड टू डिस्कवरी ऑफ अ न्यू फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स और आई शुड से लेड टू द डिस्कवरी ऑफ अ न्यू फंडामेंटल प्रॉपर्टी कॉल्ड स्पिन. For elementary particles like electron. ठीक है, fundamental property कैसी होती है? Fundamental property like mass, charge. ठीक है, these are fundamental properties associated with particles. So this experiment that came, the Stern-Gellark experiment, it actually led to this डिस्कवरी ऑफ अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी कॉल्ड एज स्पिन. ठीक है, क्या होता है ये स्पिन, इसको विजुअलाइज कर पाना या डिस्क्राइब कर पाना इज स्लाइटली डिफिकल्ट, स्लाइटली नहीं इनफैक्ट क्वाइट डिफिकल्ट. बट इसकी वजह से ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज आर सीन, ऑब्जर्वेबल इफेक्ट्स आर सीन. So, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूंगा चार्ज, ठीक है, आपको बोलूंगा विजुअलाइज करो चार्ज. ठीक है, तो यू विल बी अगेन कंफ्यूज्ड कि मतलब हाउ डू आई विजुअलाइज चार्ज, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज, हाउ डू आई विजुअलाइज दिस प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज. ऑल आई नो इज देयर एग्जिस्ट्स दिस प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज बिकॉज ऑफ विच आई कैन सी substances or things attracting each other or repelling each other. ठीक है, वैसे ही आप बोलोगे विजुअलाइज मास. ठीक है, when I ask you to visualize mass, तो आपके दिमाग में डेफिनेटली सबसे पहले लाइक एक पार्टिकल आ जाता है दिमाग में. ठीक है, however mass is also a fundamental property जिसकी वजह से we explain how you know large bodies like planets and stars they you know attract each other. Hum log aise gravitational force explain karte hain. Theek hai, although that definition also kind of changed after Einstein's theory. Usi tarike se yahan par observe karna, there is this fundamental property associated with particles called spin that was discovered. ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स, फोटॉन्स, क्वार्क्स, जो भी फंडामेंटल पार्टिकल्स बोलते हैं, जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स हम बोलते हैं, उनके लिए ये एक नई प्रॉपर्टी निकल के आई. ठीक है, नाउ अभी हमारे सिलेबस में स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्लूडेड है. ठीक है, स्पिन ऑफ और दूसरे पार्टिकल्स होंगे लाइक फोटॉन्स या फिर क्वार्क्स या लेप्टॉन्स, इन सब का स्पिन हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है. ठीक है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन का स्पिन हमारे सिलेबस का पार्ट है. तो उसके लिए नोटिस करना, हाउ दिस Stern-Gellark एक्सपेरिमेंट लेड टू इट्स डिस्कवरी. सो नोटिस, एक सेकेंड, हाँ, सो नोटिस
मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था हाउ दिस एक्सपेरिमेंट वॉज. सो द एक्सपेरिमेंटल डिजाइन वॉज क्वाइट सिंपल. ठीक है, देर वॉज दिस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, एंड स्टर्न एंड गैलार्क ने तो सिल्वर एटम्स लिए थे. However, you can repeat this experiment with hydrogen atoms. ठीक है, hydrogen atoms are thrown through an external magnetic field and उनका deflection observe किया जाता है on a screen at the opposite side of this magnetic field. Now ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट मत लिखना. ठीक है, आप ये इतना पार्ट लिख दो. ठीक है, यू कैन राइट डाउन दिस मच दैट दिस एक्सपेरिमेंट लेड टू द डिस्कवरी ऑफ स्पिन. ठीक है, बट ये जो मैं डायग्राम ड्रॉ करूंगा एक्सपेरिमेंट का, वो सब काम का नहीं है. ठीक है, नाउ नोटिस करना दैट स्टार्टिंग में स्टर्न एंड गैलार्क ने बोला कि हम लोग एक बार मैग्नेट, ठीक है, एक बार मैग्नेट को लेंगे. ठीक है, बार मैग्नेट का भी नॉर्थ साउथ पोल रहेगा एंड इस बार मैग्नेट को हम लोग थ्रो करेंगे एंड एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो रहेगा वो इस बार मैग्नेट को डिफ्लेक्ट कर देगा. ठीक है, इस बार मैग्नेट को डिफ्लेक्ट करेगा एंड उसकी वजह से रादर देन ऑब्जर्विंग दैट ये बार मैग्नेट स्ट्रेट जा रहा है, वी विल सी इट विल गेट डिफ्लेक्टेड. ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द ओरिएंटेशन. ठीक है, अभी इसका ओरिएंटेशन मान लो इस तरीके से है, अब इसका ओरिएंटेशन मैं चेंज भी कर सकता हूँ. ठीक है, किसी और डायरेक्शन में भी कर सकता हूँ. ठीक है, बार मैग्नेट को मैंने रोटेट करा. ठीक है, आई कैन हैव डिफरेंट ओरिएंटेशंस ऑफ दिस बार मैग्नेट एंड देन इफ आई थ्रो इट तो मेरा डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन भी चेंज हो जाता था एंड आई वुड सी दैट करस्पॉन्डिंग टू द चेंज्ड ओरिएंटेशन द बार मैग्नेट वुड डिफ्लेक्ट अप डाउन समवेयर इन बिटवीन एंड पूरा ऐसे एक लाइक पॉसिबिलिटीज मिल गए जहां जहां पर डिफ्लेक्शन होके बार मैग्नेट आ सकता था. ठीक है, एंड इट वॉज यूनिफॉर्म थ्रू आउट. ठीक है, ऊपर भी जा सकता था, नीचे भी जा सकता था, डिपेंडिंग अपॉन इस बार मैग्नेट का ओरिएंटेशन कैसा था. हाउएवर व्हेन दिस एक्सपेरिमेंट वॉज रिपीटेड, ठीक है, व्हेन दिस एक्सपेरिमेंट वॉज रिपीटेड with hydrogen atoms, then what Stern and Gillard found out was that hydrogen atoms were either getting deflected upwards or downwards. बीच में कहीं पे भी नहीं आ रहा था, या तो नीचे आ रहा था या फिर ऊपर deflection हो रहा था. Nowhere in between. So this kind of intrigued Stern and Gellert to explain why this deflection is happening in the first place. So first of all, what they understood was that this deflection was not because of orbital motion. ठीक है, was not because of orbital angular momentum. Why? Because for s orbital, l is equal to zero. तो हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है वो तो 1s orbital में लाया कर रहा है, तो उसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम तो जीरो होगा. तो अगर उसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जीरो है तो फिर ये डिफ्लेक्शन नहीं ऑब्जर्व होना चाहिए था. तो यहाँ पर डिफ्लेक्शन तो ऑब्जर्व हो रहा है. ठीक है, एंड दिस देन दे कंक्लूडेड, ठीक है, दैट दिस डिफ्लेक्शन इज ड्यू टू अनदर angular momentum
पोजेस्ड बाय इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जिसको ठीक है विच दे कॉल्ड एज इंट्रिंसिक स्पिन एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, विच दे कॉल्ड एज इंट्रिंसिक स्पिन एंगुलर मोमेंटम। तो इसको ये नाम क्यों दिया गया? ये नाम इस तरीके से दिया गया या सोचा गया कि इलेक्ट्रॉन जो है मे बी वो खुद की एक्सिस के अबाउट भी स्पिन कर रहा होगा। जो इलेक्ट्रॉन है वो खुद की एक्सिस के अबाउट रोटेट कर, न्यूक्लियस के अराउंड तो रिवॉल्व कर रहा है, मतलब रिवॉल्व कर रहा है, जो भी उसका मोशन रहेगा अराउंड द न्यूक्लियस उससे तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम आ रहा है। ठीक है, बट दैट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के हिसाब से डिफ्लेक्शन होना ही नहीं चाहिए था, लेकिन डिफ्लेक्शन तो हो रहा है। तो उसका रीजन एट्रीब्यूट किया गया दैट मे बी दैट दिस इलेक्ट्रॉन इज स्पिनिंग अराउंड इट्स ओन एक्सिस। ठीक है, ये उन्होंने हाइपोथेसाइज करा। हाउएवर द थिंग इज दैट इलेक्ट्रॉन is actually not spinning around its own axis. In fact, the reason behind, the visualization behind this intrinsic spin angular momentum is something that cannot be described as per our classical understanding. So, यहाँ पे आप notice करना, this is something which I am talking over and above, ठीक है, what NCERT और some standard textbooks talk about, ठीक है, क्योंकि आप लोग notice करना, एक JEE Advanced ने question पूछा था some years back, ठीक है, and I will talk about that question so as to give you the context of why I am explaining this spin angular momentum in the way that I am. So just give me a quick second, I'll just copy paste that question of JEE Advanced. So the question, right, okay, it goes in this manner. That quantum numbers, ये मैं बताऊंगा प्लस हाफ माइनस हाफ में थोड़ी देर में बताऊंगा, बट ये जो इलेक्ट्रॉन स्पिन वाला क्वांटम नंबर है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, व्हाट डज इट रिप्रेजेंट। ठीक है, नाउ इन एनसीईआरटी ऑल्सो एज वेल एज इन मेनी यू नो एलिमेंट्री बुक्स जो कि बेसिक लेवल पर बुक्स बनाई जाती हैं फॉर स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड थिंग्स बेटर, उसमें ये जो इलेक्ट्रॉन की स्पिन है उसको रिप्रेजेंट करा जाता है एज द रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, अबाउट इट्स ओन एक्सिस। ये दोनों ही ऑप्शंस गड़बड़ है, दैट दिस स्पिन दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रॉपर्टी ऑफ स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन अबाउट इट्स ओन एक्सिस of rotation clockwise and counterclockwise, ये दोनों ही गड़बड़ है। The correct answer is that these two quantum mechanical spin states have no classical analogy. That ये जो spin property के बारे में बता रहा हूं इसको आप visualize नहीं कर सकते in terms of our macroscopic और classical world का understanding. एंड इसके पीछे का रीजन एक्चुअली इस तरीके से है दैट लाइक जो इलेक्ट्रॉन स्पिन का बैक कैलकुलेशन किया, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन अगर मान लो ये जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम आ रहा है वो स्पिन एंगुलर मोमेंटम आने के लिए इलेक्ट्रॉन कितना स्पीड से रोटेट करना चाहिए, तो दैट स्पीड केम आउट टू बी ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ लाइट, विच इज नॉट पॉसिबल।
So definitely this argument of how to visualize the electron spin is something which has no classical analog. And ye jo clockwise anti-clockwise ka argument hota hai, this is something which is not the correct argument. It is something which is used in many textbooks to simplify this understanding, but not correct. ठीक है, so let me kind of write it down for you. ठीक है, यहाँ पर observe करना, let me word it for you that this deflection that was caused, ठीक है, this is due to another angular momentum जिसका नाम दिया गया intrinsic spin angular momentum. ठीक है, notice करना this ठीक है इंट्रिंसिक, ये एक इंट्रिंसिक वर्ड यूज कर लेते हैं इसके साथ में. ठीक है, एक फैंसी वर्ड है विच इज ट्राइंग टू हाइड दैट हम इसको विजुअलाइज नहीं कर पा रहे. ठीक है, सो दिस इंट्रिंसिक स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन हैज नो क्लासिकल एनालॉग. ठीक है, तो ये जो क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज, अरे यार दिस क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अबाउट इट्स एक्सेस, ये गड़बड़ है. ठीक है, दिस इज नॉट समथिंग विच अ स्टूडेंट प्रिपेयरिंग फॉर जेई एडवांस शुड रिलाय ऑन. ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए. ठीक है, मतलब जूनियर क्लास में चलता है कि चलो विजुअलाइज कराना है स्टूडेंट्स को, सिंप्लीफाई करके बताना है, तो ऐसे बता दिया, बट दिस इज एक्चुअली नॉट द करेक्ट एनालॉजी. This intrinsic spin of electron actually has no classical analogy. ठीक है, what it does show, ठीक है, it does show is that this spin is quantized, because of which the electron is either going up or going down. ठीक है, जो डिफ्लेक्शन हो रहा है हाइड्रोजन एटम का, वो या तो सिर्फ ऊपर जा रहा है या सिर्फ नीचे जा रहा है, बीच में कहीं पे भी नहीं जा रहा. सो व्हाट इट ट्राइज टू से, ये जो एक ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, एक तो डिफ्लेक्शन क्यों हुआ, पहली बात तो डिफ्लेक्शन होना ही नहीं चाहिए था. डिफ्लेक्शन हुआ इसका मतलब देयर इज अनदर एंगुलर मोमेंटम दैट इज एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन. ठीक है, एंड वो क्यों है उसको क्लासिकली डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं, उसको विजुअलाइज नहीं कर सकते. इट इज देयर जिसकी वजह से ये डिफ्लेक्शन हो रहा है. ठीक है, एंड उसके बारे में एक और पीस ऑफ इंफॉर्मेशन क्या समझ में आई कि वो सिर्फ ऊपर या सिर्फ नीचे जा रहा है. ठीक है, जो डिफ्लेक्शन हो रहा है वो सिर्फ ऊपर और सिर्फ नीचे हो रहा है, बीच में कहीं पे भी नहीं हो रहा है. जैसे बार मैग्नेट जो था, ठीक है, बार मैग्नेट का अगर हम ओरिएंटेशन चेंज कर रहे हैं तो उसका डिफ्लेक्शन भी चेंज हो रहा है, वो ऊपर भी जा रहा है, नीचे भी जा रहा है, बीच में भी डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस पे आ रहा है. क्यों? बिकॉज ये जो बार मैग्नेट जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ में इंटरैक्ट करेगा तो डिपेंडिंग अपॉन इसका रिस्पॉन्स वी फाइंड दैट इट इज कंटिन्यूअस. ठीक है, अगर हम इसका ओरिएंटेशन चेंज करते हैं तो यहाँ डिफ्लेक्शन भी चेंज होता रहता है. बट यहाँ पर ये हाइड्रोजन एटम्स को जब हम थ्रो कर रहे हैं, ठीक है, कैसे भी थ्रो करें हाइड्रोजन एटम्स को, या तो ये सिर्फ ऊपर जा रहे हैं या सिर्फ नीचे जा रहे हैं, यानी कि ये जो हाइड्रोजन एटम्स हैं इनका ये जो इंट्रिंसिक स्पिन एंगुलर मोमेंटम है इसके दो ही डायरेक्शंस हैं, जिसकी वजह से द डिफ्लेक्शन इज आइदर अप और डाउन. ठीक है, तो यहां पर ऑब्जर्व करना द
क्वांटाइज्ड, और यू कैन से दिस स्पिन एंगुलर मोमेंटम is quantized in terms of magnitude as well as direction. ठीक है, तो यहां पर आप observe करना इसका मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला लिखा जाता है. ठीक है, मैं सीधे सीधे आपको यहाँ पे लिखा रहा हूं. इसका मैग्नीट्यूड लिखा जाता है रूट ओवर एस इंटू एस प्लस वन इंटू एच अपॉन टू पाई. ठीक है, वेयर एस इज इक्वल टू हाफ. ठीक है, एक फिक्स्ड वैल्यू है इसका. एस का वैल्यू हाफ है, यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट करो. दैट इज द मैग्नीट्यूड of the spin angular momentum. And इसका जो z component है, ठीक है, this was the magnitude of spin angular momentum. ठीक है, एंड इसका जो डायरेक्शन है, ठीक है, वो भी क्वांटाइज्ड है. तो इसका जो z कंपोनेंट है, z कंपोनेंट ऑफ स्पिन एंगुलर मोमेंटम इज एम एस इंटू एच अपॉन टू पाई. ठीक है, वेयर एम एस इज द फोर्थ क्वांटम नंबर. ठीक है, यहां पर नोटिस करना. वेयर एम एस इज द फोर्थ क्वांटम नंबर, जो हम लोग बोल रहे हैं स्पिन क्वांटम नंबर. And has only two allowed values, plus half and minus half, corresponding to, ठीक है, ध्यान से notice करना, corresponding to the direction of or you can say corresponding to the response, main word use kar raha hu, magnetic moment. theek hai, iska matlab kya hota hai, response to an external magnetic field. ठीक है, सो एम एस दैट इज द फोर्थ क्वांटम नंबर हैज ओनली टू अलाउड वैल्यूज, प्लस हाफ एंड माइनस हाफ, करस्पॉन्डिंग टू द मैग्नेटिक मोमेंट. ठीक है, दैट इज द रेस्पॉन्स टू एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इन अप और डाउन डायरेक्शन. ठीक है, जो यहां पर डिफ्लेक्शन हुआ हाइड्रोजन एटम का, आइदर अप और डाउन. ठीक है, तो दैट इज व्हाट इट रिप्रेजेंट्स, दैट दिस एंगुलर मोमेंटम, स्पिन एंगुलर मोमेंटम हैज ओनली टू ओरिएंटेशंस, टू डायरेक्शंस, जिसकी वजह से ये जो रिस्पॉन्स आ रहा है व्हेन द एटम इज पास थ्रू एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, इट इज आइदर अप और डाउन ओनली. ठीक है,
इतना पार्ट समझ में आया आपको? ठीक है, ये आपके लिए इंट्रिंसिक वर्ड इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। एंड देन इसका क्वांटाइज्ड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एंड इसका फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ पर एस इज हाफ, यहाँ पर एम एस इज द फोर्थ क्वांटम नंबर विच हैज टू अलाउड वैल्यूज, प्लस हाफ और माइनस हाफ। ठीक है, ये वैल्यूज कहाँ से आए? ये वैल्यूज का कैलकुलेशन इज बेस्ड ऑन द मैग्निट्यूड दैट वॉज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द डिफ्लेक्शन दैट वॉज ऑब्जर्व। ठीक है, सो नाउ इफ आई रीराइट दैट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू, ठीक है, यहाँ पे ऑब्जर्व करना, इफ आई रीराइट दैट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू, तो यहाँ पर दीज टू आर इनकरेक्ट बिकॉज दीज क्वांटम नंबर्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन स्पिन प्लस हाफ एंड माइनस हाफ दे डू नॉट रिप्रेजेंट द क्लॉकवाइज एंड द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, इनफैक्ट this respectively word made the third option incorrect। ठीक है, अगर ये respectively नहीं लिखा होता तो मैं third option को correct मान लेता। that magnetic moment, यानी magnetic moment क्या हो गया? response to the external field of the electron pointing up and down। बस इतना लिखा होता तो मैं चल जाता। ठीक है, क्योंकि plus half को up बोलेंगे minus half को down बोलेंगे ऐसा कोई logic नहीं है। ठीक है, plus half down भी हो सकता है, प्लस हाफ अप भी हो सकता है। अगर आपने प्लस हाफ को अप बोल लिया तो माइनस हाफ डाउन हो जाएगा, या फिर अगर आपने प्लस हाफ को डाउन बोल लिया तो माइनस हाफ अप हो जाएगा। ऐसा कोई रेस्पेक्टिवली वाला चॉइस नहीं है यहाँ पे कि प्लस हाफ मतलब अप ही होगा, माइनस हाफ मतलब डाउन होगा, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर वॉज दिस फाइनल वन ओनली, दैट देर इज नो क्लासिकल एनालॉजी। ठीक है, समझ में आया नमन? थर्ड ऑप्शन करेक्ट क्यों नहीं होगा? रेस्पेक्टिवली वर्ड हटा दो, ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉइंटिंग अप और डाउन, देन द थर्ड ऑप्शन वुड हैव बीन करेक्ट। ठीक है, हाँ, अब आपको ये प्लस हाफ और माइनस हाफ वैल्यूज, मतलब डेफिनेटली आपके दिमाग में होगा कि ये प्लस हाफ और माइनस हाफ ही क्यों, मतलब प्लस वन माइनस वन क्यों नहीं, या प्लस टू माइनस टू क्यों नहीं। तो ठीक है, इट्स अ वैलिड डाउट इन योर माइंड, बट ये जो कैलकुलेशन है, ठीक है, ये हाफ का कैलकुलेशन, दिस इज समथिंग विच कम्स फ्रॉम द कैलकुलेशन ऑफ द स्पिन एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, अब इसकी कैलकुलेशन हम लोग इसके डेरिवेशन में गए नहीं है पीछे, इसलिए हमें ये समझ में नहीं आएगा अभी कि वाई डिड द हाफ वैल्यू इज द वन दैट इज चोजन। ठीक है, दैट इज समथिंग टू डू विद द डिटेल्स इन द डेरिवेशन ऑफ द spin angular momentum and the concept of spin itself। ठीक है, यहां पर जो important point समझने का था is that there are only two allowed values। ठीक है, वो two allowed values क्यों हैं वो मैं आपको जरूर बताना चाह रहा था by this simple Stern-Gellark experiment। ठीक है, तो ये हमारा क्वांटम नंबर्स का पार्ट कवर होता है। ठीक है, एंड नाउ अब हम लोग नेक्स्ट रिजल्ट की तरफ मूव कर सकते हैं, विच इज द थर्ड इंपॉर्टेंट रिजल्ट ऑफ क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, दैट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। ठीक है, सो लेट्स move on to the third result now। electronic
configuration for a multi-electron system. So if you remember, आप लोगों ने जूनियर क्लासेस में बोर्ड्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखा होगा, 288 एंड सो ऑन सो फोर्थ. ठीक है, कि फर्स्ट शेल में दो इलेक्ट्रॉन आएंगे, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन एंड देन सो ऑन सो फोर्थ. ठीक है, नाउ बोर्ड्स मॉडल इज समथिंग दैट वी हैव डिस्कार्डेड एंड इंट्रोड्यूस्ड the quantum mechanical model. We have discarded the concept of orbits and introduced the concept of orbitals. So how electrons are going to be filled or be present inside these orbitals, that is the objective of this particular subtopic. Theek hai, now observe karna kis tarike se we will talk about it. So let me first quickly write the definition of electronic configuration. So electronic configuration is arrangement of electrons in orbitals, theek hai, of a multi-electron system. Okay, now as part of our discussion, hum log primarily abhi focus karenge on ground state configuration. Okay, so yahan par aap notice karna, ground state configuration of multi-electron atoms or ions is based on the following set of rules. Okay, the rules are pretty simple, pretty easy to understand. एक एक करके समझेंगे. सो पहला रूल समझना, दिस इज कॉल्ड एज ऑफबाउज रूल. ऑफबाउज रूल और ऑल्सो समथिंग दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड, एन प्लस एल रूल. ठीक है, नाउ what does this rule say? It is a very simple straightforward rule जो कि हम लोग Bohr's model में भी follow करते थे. ठीक है, पहले first orbit fill होता था, फिर second orbit पे जाते थे, फिर third orbit पे जाते थे. This is how we studied for Bohr's model of atom. उसी तरीके से यहाँ पर भी हम लोग पहले lower energy का orbital fill करेंगे, फिर जब वो पूरा हो जाएगा तब next higher energy के orbital में जाएंगे. So what it simply says is that lower energy orbital gets filled first. ठीक है, how do we decide the relative order of energy of orbitals? ये हम लोगों ने last class में सीखा था, that is what n plus l rule was. ठीक है, तो इसको एक और तरीके से मैं लिख सकता हूँ, I can write another statement for this, that filling of electrons in orbitals occurs in an increasing order of energy. ठीक है, नाउ यहां पर ऑब्जर्व करना दैट इफ आई हैव टू राइट दिस relative order of energy of orbitals, then किस तरीके से proceed करना पड़ेगा.
I will have to calculate the n plus l values. So if you remember from the last class, मतलब मैंने आपको करके भी दिखाया था, ऐसे हम लोगों ने different different orbitals लिए थे और उनका n और l value लिखा था and then उनको increasing n plus l के order में arrange भी करके दिया था, ठीक है? But every time going in this manner, ठीक है, will be quite time consuming. So what Aufbau did was that he presented a pattern. He presented a pattern to simplify this filling of orbitals. ठीक है, तो उसने एक pattern बना के दिया. वो pattern किस तरीके से यहाँ पर आप observe करना. आप भी वो pattern बना सकते हो. बहुत simple है. आप हर shell के orbitals in a row, in a line लिखना शुरू करो. So n equal to 1 में 1s exist करता है, या 2s exist करता है, sorry 1p exist करता है, 1p does not exist. तो फिर आप second orbital पे, second shell पे आ जाओ. second shell में कौन से orbitals exist करते हैं? 2s करता है, 2p करता है, 2d करता है, 2d नहीं करता, ठीक है? तो फिर आप अगले शेल पे आ जाओ. 3s, 3p, 3d एग्जिस्ट करता है? यस करता है. 3f एग्जिस्ट करता है? द आंसर इज नहीं करता है. तो फिर यहीं तक रुक जाओ. फिर नेक्स्ट ऑर्बिटल पे आओ, नेक्स्ट शेल पे आओ, n इक्वल टू 4. 4s, 4p, 4d, 4f एग्जिस्ट करता है? क्या 4g एग्जिस्ट करता है? द आंसर इज नहीं एग्जिस्ट करता. तो फिर उस पे मत जाओ, ठीक है? नेक्स्ट पे आ जाओ, n इक्वल टू 5, ठीक है? 5s, 5p एग्जिस्ट करता है? 5d एग्जिस्ट करता है? 5f एग्जिस्ट करता है? 5g भी एग्जिस्ट करेगा? क्या 5h एग्जिस्ट करेगा? द आंसर इज नहीं करेगा. तो इस तरीके से यू कीप ऑन राइटिंग द ऑर्बिटल्स दैट आर गोइंग टू बी और फाउंड विद इन अ शेल, ठीक है? नाउ वंस यू राइट दिस, ठीक है, वंस यू राइट दिस दैट विद इन अ शेल, ठीक है, इन अ रो बाय रो मैनर क्या क्या ऑर्बिटल्स एग्जिस्ट कर सकते हैं, देन अब इनका रिलेटिव ऑर्डर ऑफ फिलिंग कैसा रहेगा वो नोटिस करना, ठीक है? यू विल ड्रॉ लाइन्स फ्रॉम टॉप राइट टू बॉटम लेफ्ट, ठीक है, डायगनल लाइन्स टॉप राइट टू बॉटम लेफ्ट, एंड जो जो ऑर्बिटल पहले आएगा इन दिस ड्रॉइंग ऑफ लाइन्स वो पहले फिल होगा. सो यहाँ पर आप नोटिस करना, लेट मी यूज एन एरो. सो यहाँ पर सबसे पहले 1s ऑर्बिटल फिल हो जाएगा, ठीक है? फिर 1s के बाद में 2s का नंबर आएगा, ठीक है? फिर इसके बाद में वापस से मैं डायगनल लाइन ड्रॉ करूंगा टॉप राइट से बॉटम लेफ्ट. तो आप नोटिस करना दैट 2p भरेगा, और फिर 2p के बाद में क्या भर रहा है? 3s भर रहा है, ठीक है? देन आई विल अगेन ड्रॉ अ लाइन. नोटिस करना 2p के बाद में, सॉरी 3s भरा, 3s के बाद में क्या भरा? 3p. अब आप नोटिस करना 3p के बाद में क्या भर रहा है? 3p के बाद में 4s भर रहा है, ठीक है? 3d नहीं भर रहा, 4s भर रहा है. एंड 4s भी भरना चाहिए था, क्यों? इफ यू वुड हैव कैलकुलेटेड द n plus l वैल्यू, इसका n plus l वैल्यू कितना आएगा? 4 plus 0 दैट इज 4, एंड 3d का n plus l वैल्यू 3 plus 2 दैट इज 5, ठीक है? तो यू नो दैट 4s पहले भरना चाहिए था, देन 3d, एंड वो इस पैटर्न में भर भी रहा है, ठीक है? फिर 4s के बाद में अब आप वापस से नेक्स्ट लाइन ड्रॉ करना, तो आप देखोगे 3d भरेगा, 3d के बाद में 4p भरेगा, एंड देन 4p के बाद में 5s भरेगा, ठीक है? दिस इज द वे इन विच द ऑर्बिटल्स आर गोइंग टू बी फिल्ड. उसके बाद फिर 4d का नंबर आएगा, ठीक है? देन 4d, 5p, एंड देन 6s भरेगा, ठीक है? सो दिस इज द वे इन विच द रिलेटिव
filling of electrons is supposed to happen and give you an idea of which orbitals are going to be filled first. ठीक है, तो मैं एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं. ठीक है, यहां तक का बहुत सिंपल था कि ऑफबाउ ने बोला है कि इलेक्ट्रॉन फिल करना है, तो किस तरीके से फिल करेंगे, लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा. ठीक है, तो बेसिकली इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स हमें पता होना चाहिए, जिसके अंदर फिर अपन इलेक्ट्रॉन्स फिल करते जाएंगे. अब ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स कैसे आता है? ठीक है, दिस कम्स फ्रॉम एन प्लस एल रूल, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में एक्सप्लेन किया था. अब ये एन प्लस एल रूल के हिसाब से एक तो तरीका ये है कि आप लोग मतलब हर ऑर्बिटल को लिखो और उसका एन प्लस एल काउंट करो और फिर उनको अरेंज करते जाओ और फिर उसका रट्टा मारो. ठीक है, और यू कैन अवॉइड ऑल ऑफ दैट एंड यू कैन रिमेंबर अ पैटर्न कि फ्यूचर में आपको कभी भी भूला जाए कि कौन पहले फिल होगा. ठीक है, कौन सा ऑर्बिटल पहले फिल होगा एंड उसका आपको पूरा इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, तो ये पैटर्न आपको एक हेल्प कर देगा. ये पैटर्न कैसे ड्रॉ किया, हर शेल के पॉसिबल ऑर्बिटल्स हमने रो बाय रो मैनर में लिखे सबसे पहले, एंड देन वी ड्रॉ डायगनल लाइंस फ्रॉम टॉप राइट टू बॉटम लेफ्ट. And as a result, we are able to then get the answer of the relative order of filling of orbitals. ठीक है, ये समझ में आया किस तरीके से हम orbitals को relative order में fill करेंगे. ठीक है, नाउ सेकंड रूल पे आते हैं. ठीक है, यहां पर ऑब्जर्व करना. लेट मी टॉक अबाउट द सेकंड इंपॉर्टेंट रूल इन फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, दैट इज कॉल्ड एज पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. ठीक है, दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट रूल एंड अ लिटिल इजी टू ग्रास. ठीक है, यहां पर ऑब्जर्व करना, व्हाट पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल सेज इज दैट इन एन एटम. ठीक है, इन एन एटम और यू कैन से आयन ऑल्सो, no two electrons can have the same set of all four quantum numbers. एक एटम है उसके अंदर मान लो मल्टीपल इलेक्ट्रॉन्स है. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से सोडियम का एटम है, सोडियम के एटम के अंदर 11 इलेक्ट्रॉन होंगे, उसका एटॉमिक नंबर 11 है. तो इन दो अमंग दोस 11 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, कोई भी दो इलेक्ट्रॉन्स का सेम सेट ऑफ ऑल फोर क्वांटम नंबर्स नहीं हो सकता. सो व्हाट इट मींस, यहां पर नोटिस करना कि अगर मैं एक ऑर्बिटल के बारे में बात करूं, ठीक है, नोटिस करना, फॉर ऑर्बिटल्स और यू कैन से फॉर एन इलेक्ट्रॉन विद इन एन ऑर्बिटल, द फर्स्ट थ्री क्वांटम नंबर्स आर फिक्स्ड, आर डिफाइंड. ठीक है, फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल, ठीक है, द फर्स्ट थ्री क्वांटम नंबर्स n, l एंड ml,
ठीक है, आर एज पर द ऑर्बिटल ओनली, ठीक है। मतलब अब डिफरेंट क्या हो सकता है, फोर्थ क्वांटम नंबर ही हो सकता है। दस द फोर्थ क्वांटम नंबर शुड बी डिफरेंट, ठीक है। दस द फोर्थ क्वांटम नंबर शुड बी डिफरेंट फॉर इलेक्ट्रॉन within an orbital, ठीक है, within a given orbital, fourth quantum number ही different हो सकता है। अब fourth quantum number की कितनी allowed values है, since there are only two allowed values of fourth quantum number, there can exist or there can exist only two electrons in an orbital with different quantum spin state, ठीक है। तो यहां से हमें क्या समझ में आया, द मेजर कंक्लूजन दैट केम फ्रॉम पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल इज दैट देयर कैन एग्जिस्ट, ठीक है, मैक्सिमम ऑफ ओनली टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल, ठीक है। खाली भी हो सकता है ऑर्बिटल, खाली भी रह सकता है, ऐसा तो बिल्कुल जरूरी नहीं है कि ऑर्बिटल है तो उसमें इलेक्ट्रॉन होना ही पड़ेगा, खाली भी रह सकता है, ठीक है। उसमें एक इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, बट मैक्सिमम दो ही इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, ठीक है, एंड दैट टू विद डिफरेंट स्पिन क्वांटम स्टेट, दे कैन नॉट हैव द सेम स्पिन क्वांटम स्टेट, ठीक है। अरे यार, जस्ट अ सेकंड गाइस, let me just share the screen again, give me 1 minute. Only two electrons in an orbital and that too with different spin state, ठीक है। अब यहां पर आप ऑब्जर्व करना दैट इसको डायग्रामेटिकली कैसे डिस्क्राइब करा जाता है। मान लो ये बॉक्स है विच इज रिप्रेजेंटिंग एन ऑर्बिटल, तो इस ऑर्बिटल के अंदर दो ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉन्स को हम ऐसे एरो से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, बट दोनों इलेक्ट्रॉन्स का स्पिन अलग अलग होना चाहिए। तो अगर ये एक अप स्पिन है तो दूसरा डाउन स्पिन होना चाहिए, ठीक है। दोनों सेम स्पिन के नहीं हो सकते। स्पिन हम लोग ऐसे अप और डाउन एरो से रिप्रेजेंट कर रहे हैं ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अच्छा, आप इसमें मतलब आई समटाइम्स गेट वेरी वियर्ड क्वेश्चंस फ्रॉम स्टूडेंट सेइंग सर क्या इसको हम लोग एज टू डिफरेंट स्पिन काउंट कर सकते हैं।
द आंसर इज दैट आप अपने मन से मत बनाओ, ठीक है, कि किसको क्या बोलना चाहिए, ठीक है. दिस इज द कॉमनली फॉलोड रिप्रेजेंटेशन ऑफ अपस्पिन एंड डाउनस्पिन, ठीक है. सो यू डोंट क्रिएट योर ओन वर्जन्स ऑफ हाउ कैन आई बी मोर क्रिएटिव इन राइटिंग अपस्पिन और डाउनस्पिन. यू कैन सिंपली प्रोसीड इन द फॉलोइंग मैनर. ऑलराइट, सो दिस वाज पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. नाउ थर्ड एंड द फाइनल रूल ऑब्जर्व करना वाइल फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इट इज कॉल्ड एज हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी. तो पहले मैं आपको इसका एक बेसिक आइडिया समझाऊंगा दैट व्हाट इट टॉक्स अबाउट, एंड देन आई माइट गो इनटू अ लिटिल बिट डिटेल इनटू लाइक एक्सप्लेनिंग ये मल्टीप्लिसिटी वर्ड है क्या. ठीक है, पहले हम इसका एक सिंपल इंटरप्रिटेशन ऑब्जर्व करते हैं विच विल हेल्प अस इन कंप्लीटिंग आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. सो यहां पर आप ऑब्जर्व करना, what does Hund rule of maximum multiplicity talk about? Sorry, just a second guys. So statement dekhna kis tarike se rahega iska. While filling electrons in degenerate orbitals, degenerate orbitals yaad hai aapko, what is it that we meant by degenerate orbitals? That is orbitals having the same energy. Okay, so while filling electrons in degenerate orbitals, no pairing should take place until each degenerate orbital is filled with at least one electron in parallel बोलेंगे या फिर सेम स्पिन. ठीक है, काफी लंबा सा स्टेटमेंट है, इसको समझने के लिए थोड़ा सा पेशेंस रखो. ठीक है, लेट मी टेक एन एग्जांपल टू एक्सप्लेन इट बेटर. ठीक है, जैसे यहां पर ऑब्जर्व करना, लेट मी टेक द एग्जांपल ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, O8. ठीक है, मतलब O8 कोई मॉलिक्यूल नहीं है, ऑक्सीजन लिख देता हूँ, इसके नीचे लिख देता हूँ Z is equal to 8. 8 इसका एटॉमिक नंबर है. इसका मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल करना है. ठीक है, तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स मुझे फिल करते हैं, तो कैसे फिल करने रहेंगे? आई विल फॉलो ऑफबाउज रूल, पॉलीज रूल एंड हंट्स रूल. तो पहले ऑफबाउ रूल के हिसाब से आई विल डिसाइड द रिलेटिव ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स. ठीक है, 1s में इलेक्ट्रॉन रहेंगे. ठीक है, उसके बाद 2s में इलेक्ट्रॉन रहेंगे. ठीक है, फिर 2p में जा सकते हैं. ठीक है, फिर 2p के बाद 3s में, 3p में, 4s में, 3d में, एंड सो ऑन सो फोर्थ. दिस विल बी द रिलेटिव ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स. ठीक है, अब फिर पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल आएगा. पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या बोलेगा? कि एक ऑर्बिटल में दो ही इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं. ठीक है, तो यहां पर आप नोटिस करना, दो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, मैं ऐसे यहां ऊपर लिख रहा हूं, इट मींस दो इलेक्ट्रॉन्स इसमें फिल हो गए, 1s ऑर्बिट में फिल हो गए. ठीक है, अब मैं फिर नेक्स्ट 2s में दो इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकता हूं. सो 2s में दो इलेक्ट्रॉन्स फिल हो गए. ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन टोटल फिल हो गए. अभी भी मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन कहां आएंगे? 2p में. 2p में इफ यू रिमेंबर
2p में, 2p सबशेल है, 2p के अंदर तीन टाइप के ऑर्बिटल्स हैं, 2px, 2py, 2pz। तो इसमें मैक्सिमम कितने, 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो इसमें क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, ठीक है। एंड ये आगे के ऑर्बिटल्स खाली रह जाएंगे, तो इनको लिखने का कोई सेंस नहीं है, ठीक है, इनको मैं रब कर सकता हूँ। तो ये मेरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हो गया ऑफ ऑक्सीजन एटम, ठीक है। नाउ इन दिस नोटिस करना, हम लोग थोड़ा डिटेलिंग करते हैं। इफ आई फिल द इलेक्ट्रॉन्स इन दिस बॉक्स डायग्राम मैनर, ठीक है। बॉक्स डायग्राम क्या होगा, ये बॉक्स डायग्राम रिप्रेजेंट कर रहा है ऑर्बिटल्स। सो 1s का एक ऑर्बिटल, 2s का एक ऑर्बिटल एंड 2p के, इफ यू रिमेंबर देर आर थ्री ऑर्बिटल्स, 2px, 2py एंड 2pz, ठीक है। कैसे फिलिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन की, 1s में एक इलेक्ट्रॉन, देन दूसरा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एंड इट हैज टू बी इन द ऑपोजिट स्पिन, ठीक है। फिर 1s पूरा भर गया, अब 2s पे आएंगे, ठीक है, 2s में तीसरा इलेक्ट्रॉन, फिर फोर्थ इलेक्ट्रॉन, फोर्थ इलेक्ट्रॉन ऑपोजिट स्पिन में जाना चाहिए, ठीक है, सेम स्पिन में नहीं हो सकता, चार इलेक्ट्रॉन भर गए। अब हंट्स रूल काम आएगा, ठीक है, दिस इज वेयर यू कैन सी नाउ हंट्स रूल इज गोइंग टू प्ले अ रोल, बिकॉज दीज आर डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, ठीक है। एज यू कैन सी डीजेनरेट ऑर्बिटल्स मतलब इनमें सेम एनर्जी है, ठीक है। तो अब अगर मुझे फिफ्थ इलेक्ट्रॉन भरना है तो मैं कहां भरूंगा, ठीक है, 2px, 2py, 2pz, द आंसर इज यू आर फ्री टू चूज, देयर इज नो प्रेफरेंस। आपको इलेक्ट्रॉन भरना है तो आप इस वाले में भर लो, या इस वाले में भर लो, या इस वाले में भर लो, पहला इलेक्ट्रॉन मतलब जो फिफ्थ नंबर का इलेक्ट्रॉन है, आई डोंट केयर, दीज आर ऑल इक्वल इन टर्म्स ऑफ देयर एनर्जी, ठीक है। अप स्पिन भरूं या डाउन स्पिन भरूं, ठीक है, अप स्पिन भरूं या डाउन स्पिन भरूं, अगेन कोई दिक्कत नहीं है, आपकी चॉइस है, आप ऐसा भी भर सकते हो, आई डोंट माइंड, ठीक है। बट अब इसके बाद हंट्स रूल कह रहा है, ठीक है, अब हंट्स रूल का स्टेटमेंट पढ़ना, दैट व्हाइल फिलिंग इलेक्ट्रॉन्स इन डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, ठीक है, व्हाइल फिलिंग इलेक्ट्रॉन्स इन डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, नो पेयरिंग शुड टेक प्लेस, ठीक है, नो पेयरिंग शुड टेक प्लेस अंटिल ईच डीजेनरेट ऑर्बिटल इज फिल्ड विद एटलीस्ट वन इलेक्ट्रॉन इन पैरेलल स्पिन। यानी कि अब मुझे लेट्स से सिक्स्थ इलेक्ट्रॉन भरना है तो मैं पेयरिंग नहीं करूंगा, पेयरिंग गड़बड़ हो जाएगी, पेयरिंग नहीं करेंगे अभी। क्या करना पड़ेगा, फिफ्थ के बाद में सिक्स्थ इलेक्ट्रॉन मुझे अगले डीजेनरेट ऑर्बिटल में भरना पड़ेगा, एंड वो भी सेम स्पिन में भरना पड़ेगा, ठीक है, आई शुड नॉट चेंज द स्पिन। अगर मैंने यहां पर इसको अप स्पिन में रखा है तो दूसरे वाले को भी मैं अप स्पिन में ही रखूंगा, आई विल नॉट पुट द नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन इन डाउन स्पिन, ठीक है, ये सही रहेगा, ये गड़बड़ हो जाएगा, दिस विल बी गड़बड़, ठीक है। सो एक दो तीन चार, चार इलेक्ट्रॉन भर गए, देन फिफ्थ इलेक्ट्रॉन, सिक्स्थ इलेक्ट्रॉन, सेवेंथ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, आई विल नॉट डू पेयरिंग, कब तक, जब तक हर डीजेनरेट ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं आ जाता, एटलीस्ट वन इलेक्ट्रॉन इज नॉट देयर, एंड वो भी पैरेलल स्पिन में होना चाहिए, ठीक है। अब मेरे पास ऑप्शन नहीं बचा, अब मुझे पेयरिंग करनी पड़ेगी टू फिल द एट्थ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अभी एट्थ इलेक्ट्रॉन में कहाँ भरूं, मैं यहाँ पे भी भर सकता हूँ, यहाँ पे भी भर सकता हूँ, या फिर यहाँ पे भी भर सकता हूँ, जहां पे आपकी इच्छा है आप भर दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। चाहिए तो यहाँ भर दो एट्थ इलेक्ट्रॉन, चलेगा, यू कुड फिल द एट्थ इलेक्ट्रॉन हेयर ऑल्सो, आई डोंट माइंड। ठीक है, ये थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, जब तक मैं आपको ऐसे सात आठ एग्जाम्पल प्रैक्टिस नहीं कराऊंगा तब तक पूरा कॉन्सेप्ट ग्रास्प नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोग अभी और एग्जाम्पल्स के थ्रू इसको प्रैक्टिस करेंगे, बट आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस मच, दैट व्हाट डज हंट रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी से।
that you have to fill the electrons in such a manner that no pairing take place until each degenerate orbital has at least one electron and that too in parallel spin. सब में एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया, उसके बाद आप पेयरिंग कर सकते हो. ठीक है, पेयरिंग मतलब समझ में आया आपको कि अप स्पिन डाउन स्पिन. ठीक है, नाउ अब ऑब्जर्व करना दैट ऐसा क्यों है. ठीक है, व्हाई इज इट द केस. ठीक है, इनफैक्ट थोड़ी देर पहले मुझसे किसी ने क्वेश्चन भी पूछा था, आई थिंक कृष्णा ने पूछा था थोड़ी देर पहले कि इसके पीछे का रीजन क्या है. तो जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ऑफ बाउज रूल है कि लोअर एनर्जी ऑर्बिटल पहले फिल होगा. इसके पीछे का रीजन, इसके पीछे का लॉजिक काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है. ठीक है, मुझे समझ में आ जाता है दैट यू नो दैट लोअर एनर्जी मतलब ज्यादा स्टेबिलिटी. ठीक है, तो पहले लोअर एनर्जी का फिल होगा एंड उसके बाद हायर एनर्जी के ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन जाएंगे. फिर पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का आपको रीजन नहीं समझ में आएगा. पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, जस्ट गिव मी वन सेकंड गाइस, लेट मी जस्ट वन सेकंड. हाँ, सो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के पीछे का रीजन इज नॉट समथिंग इजी टू एक्सप्लेन. ठीक है, इसके पीछे का भी लॉजिक है. ठीक है, इसके पीछे भी लॉजिक है दैट व्हाई टू इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट हैव द सेम सेट ऑफ ऑल फोर क्वांटम नंबर्स. बट दैट लॉजिक इज नॉट समथिंग व्हिच इज इजी टू एक्सप्लेन एंड अंडरस्टैंड एट आर सिलेबस का लेवल. तो इसके पीछे के बैकग्राउंड रीजन में मैं जाऊंगा ही नहीं. ठीक है, आई विल जस्ट से कि हाँ ऐसा है. पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के हिसाब से दो इलेक्ट्रॉन्स का सेम सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स हो ही नहीं सकता है. If it is there, then something is violated, and that something is a quantum mechanical principle. So you have this as the reason behind it. अब Hund's rule of maximum multiplicity के बारे में समझना, that इसमें ये statement क्यों लिखा है, that why electrons are to be filled in degenerate orbitals in this manner. ठीक है, तो इसमें मैं एक छोटा सा कोशिश करता हूँ to try to explain you. That यहां पर नोटिस करना, ये degenerate orbitals थे. ठीक है, so अगर degenerate orbitals का मैं ये filling करता हूं, ठीक है, versus ये filling करता हूं, ठीक है, the answer is that this is a more stable कॉन्फ़िगरेशन. ठीक है, एक में मैंने क्या करा, एक में मैंने पेयरिंग कर दी और एक में मैंने पेयरिंग नहीं करी. तो इसके पीछे का रीजन क्या है. ठीक है, इसके पीछे का रीजन टू फोल्ड है. वन इज दैट पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉजेज रिपल्शन. ठीक है, जब सेम एनर्जी के दो ऑर्बिटल्स अवेलेबल हैं, ठीक है, तो अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स को पेयर अप कर देता हूं सेम ही ऑर्बिटल के अंदर, तो उनके बीच में रिपल्शन आते हैं, जिसकी वजह से मेरा कॉन्फ़िगरेशन लेस स्टेबल हो जाएगा. ठीक है, रिपल्शन की वजह से स्टेबिलिटी कम हो जाएगी. तो पेयरिंग करना वुड नॉट बी माय फर्स्ट चॉइस. ठीक है, पेयरिंग मैं कब कर रहा हूं, जब मुझे हायर एनर्जी ऑर्बिटल में जाना था. जैसे मुझे मान लो 1s से 2s में जाना है, मतलब मान लो जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर मैं आपको बोलूंगा कि s, मतलब कोई पूछ सकता है कि सर ऐसा क्यों नहीं करा कि पहला इलेक्ट्रॉन 1s में भरा और फिर पेयरिंग मत करो ना, सीधे 2s में जाओ. बट 2s क्या है, हायर एनर्जी ऑर्बिटल है. तो रादर देन गोइंग इन टू द हायर एनर्जी ऑर्बिटल, मैं थोड़ा सा रिपल्शन कर लूंगा, बट स्टिल माई ओवरऑल एनर्जी विल बी लोअर ओनली. तो इसीलिए जब लोअर एनर्जी ऑर्बिटल से हायर एनर्जी ऑर्बिटल में जाते हैं तो पूरा भर के फिर अगले ऑर्बिटल में जाते हैं. ठीक है, ऐसा नहीं कि
पहला का ऑर्बिटल खाली छोड़ दिया और हायर एनर्जी ऑर्बिटल में भरना शुरू कर दिया। लोअर एनर्जी को पहले पूरा भरेंगे, भले ही उसमें पेयरिंग हो रही हो वो करेंगे, फिर ही हायर एनर्जी में जाएंगे, हायर एनर्जी ऑर्बिटल में जाएंगे, क्योंकि पेयरिंग से रिपल्शन होता है, रिपल्शन से स्टेबिलिटी आएगी, बट थोड़ा सा इफेक्ट है, ऐसा बहुत बड़ा इफेक्ट नहीं है। ठीक है, तो एक ये रीजन हो गया कि हम लोग पेयरिंग नहीं करेंगे। दूसरा भी एक और रीजन होता है, एंड ये थोड़ा सा क्वांटम मैकेनिकल कॉन्सेप्ट होता है जिसको मैं डिटेल में आगे नहीं एक्सप्लेन कर पाऊंगा, बट दिस इज स्टिल समथिंग जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, दिस इज समथिंग विच इज रिलेटेड टू एक्सचेंज एनर्जी। ठीक है, सो यहां पर जो ये वाला कॉन्फिगरेशन है, ठीक है, सेकेंड वाला जो मोर स्टेबल कॉन्फिगरेशन है, यहां पर आप नोटिस करना, इलेक्ट्रॉन विद सेम स्पिन इन डी जेनरेट ऑर्बिटल्स कैन एक्सचेंज पोजिशंस। Electrons with the same spin in degenerate orbitals can exchange positions which results in release of energy called as exchange energy. ठीक है, दिस एक्सचेंज एनर्जी हैज अ स्टेबलाइजिंग इफेक्ट, दिस रिलीज ऑफ एक्सचेंज एनर्जी हैज अ स्टेबलाइजिंग इफेक्ट। ठीक है, ये समझ में नहीं आएगा, दिस इज नॉट समथिंग विच इज ईजी टू अंडरस्टैंड, दिस इज अ क्वांटम मैकेनिकल कॉन्सेप्ट। हाउएवर मतलब आई विल चूज टू राइट द स्टेटमेंट हाउ एनसीईआरटी हैज ऑल्सो रिटन दैट डिटेल्स टू बी स्टडीड लेटर, दैट इज हाउ इट इज मेंशन्ड इन एनसीईआरटी ऑल्सो दैट this concept of exchange between electrons that can happen if the electrons are present in the same energy orbitals, degenerate orbitals, and have the same spin. And because of this exchange that happens, there is an amount of energy that gets released called as exchange energy. And usse kya hoga, energy release ho rahi hai, to overall system ki energy lower hogi, which will mean that the system has become more stable. ठीक है, so this is a background reason to the statement of Hund's rule that why in degenerate orbitals pairing will not happen first. पहले सब degenerate orbitals में एक एक electron जाएगा and that too in parallel spin. ठीक है, अब यहां पर जस्ट मैं एक और पीस ऑफ इंफॉर्मेशन ऐड कर देता हूं, विच इज दिस मल्टीप्लिसिटी पार्ट। ये मल्टीप्लिसिटी क्या है, तो दिस इज अगेन अ मतलब क्वांटम मैकेनिकल फॉर्मूला। ठीक है, विच इज गिवन इन द फॉलोइंग मैनर। मल्टीप्लिसिटी इज इक्वल टू टू टाइम्स एस प्लस वन, ठीक है, कैपिटल एस, वेयर दिस कैपिटल एस, ठीक है, दिस इज द टोटल स्पिन ऑफ, ठीक है, इनफैक्ट आई शुड जस्ट यूज द वर्ड एस, वेयर दिस एस इज द टोटल स्पिन of atom or ion, and
इसका वैल्यू इज हाफ इनटू द, और यू कैन से प्लस माइनस हाफ इनटू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, सो यहां पर आप नोटिस करोगे दैट हंड्स रूल क्या कह रहा है, हंड्स रूल कह रहा है कि हमें मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी चाहिए. मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का मतलब क्या हो गया, अगर इस वैल्यू का मुझे मैक्सिमम चाहिए तो मुझे एस का वैल्यू मैक्सिमम चाहिए. ठीक है, टोटल स्पिन का वैल्यू मैक्सिमम चाहिए, और टोटल स्पिन का वैल्यू मैक्सिमम कब होगा, जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम होंगे. तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम करने के लिए हंड्स रूल क्या बोल रहा है कि भाई पेयरिंग ही मत करो, इनको अनपेड रहने दो जितना रह सकते हैं. ठीक है, सो दैट इज वेयर दिस मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी वर्ड कम्स फ्रॉम. ठीक है, सो विद दीज थ्री रूल्स, ठीक है, ऑफबाउ, पॉलीज एंड हंड्स रूल, नाउ वी आर इन अ गुड पोजिशन टू राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ डिफरेंट डिफरेंट मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स. ठीक है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, आपको खुद को रियलाइज होगा काफी ईजी है एंड आपको कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाएगा. सो लेट्स टेक couple of examples one by one. ठीक है, so let me ask you to first draw the electronic configuration of potassium. Potassium का atomic number is 19. ठीक है, अभी मैं practice कराता जाऊंगा तो इसमें आपको और clarity आती जाएगी. चार पांच एग्जाम्पल एक साथ बैक टू बैक प्रैक्टिस करेंगे. फटाफट पहला, चलो मैं हेल्प कर देता हूं. ठीक है, कैसा रहेगा, इफ यू रिमेंबर सबसे पहले तो ऑफ बाउ रूल लगाना है. ठीक है, तो मुझे देखना पड़ेगा कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होगी. ठीक है, सो इस तरीके से मुझे पता पड़ रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होगी एंड बेस्ड ऑन दिस नाउ आई हैव द ऑर्डर. सो 1s में इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, 2s में फिल होंगे, 2p में, फिर 3s में, फिर 3p में, फिर 4s में आएगा. ठीक है, फिर 3d का नंबर आएगा, फिर 4p का नंबर आएगा एंड सो ऑन सो फोर्थ. ठीक है, अब पॉलीज रूल लगाना है. पॉलीज रूल के हिसाब से कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे, यहाँ पे नोटिस करते जाओ, 2, 2, 6, 2, 6, 2, अच्छा इतने में खत्म हो गए, एक्चुअली इसके आगे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी. 2 + 2 = 4, 4 + 6 = 10, देन 12, 12 + 6 = 18 एंड फिर 19th इलेक्ट्रॉन ये जस्ट 4s में एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा. ठीक है, 19 इलेक्ट्रॉन से फिल करने था मुझे. तो ये तो हो गया पॉलीज का भी रूल लगा लिया, तो ये मुझे कॉन्फ़िगरेशन मिल गया. ठीक है, हाउएवर अगर मुझे डिटेल में आंसर करना है, ठीक है, दिस बॉक्स डायग्राम, तो यहाँ पर मेरे लिए हंड्स रूल भी काम आएगा. ठीक है, बॉक्स डायग्राम में अगर मुझे फिलिंग करना है इलेक्ट्रॉन्स का, तो यहाँ पर आप नोटिस करना हाउ वुड इट प्रोसीड. 1s, 2s, 2p के 3, 3s, 3p के 3 और 4s का एक ऑर्बिटल. तो अब इसमें काउंटिंग करेंगे, देखना 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये समझ में आया. यहाँ पे मैं हंड्स रूल फॉलो कर रहा हूँ. ठीक है, आई विल नॉट डू द पेयरिंग. सो ये 5, 6, 7, अब पेयरिंग करनी पड़ेगी 8, 9, 10.
10, ठीक है, फिर 11, 12, देन 13, 14, 15, 16, 17, 18 एंड देन 19. अब ये 19 को मैं अप स्पिन भी लिख सकता हूँ, डाउन स्पिन भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है. इफ यू वॉन्ट यू कैन लीव इट डाउन स्पिन ऑल्सो, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम. सो दिस वुड बी द कॉन्फिगरेशन ऑफ पोटेशियम, ठीक है. 19 इलेक्ट्रॉन्स, दिस इज हाउ दे आर गोइंग टू बी फिल्ड इन दीज ऑर्बिटल्स, एंड यू विल हैव वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन पोटेशियम. दिस वन विल बी द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है. बाकी सब इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड अप है, ठीक है. अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मैं बीच बीच में हाईलाइट करता जाऊंगा, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बाद में बताएगा आपको, ठीक है. तो आप नोटिस करोगे कि मैं बार बार कॉन्फ़िगरेशन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का डिस्कशन करता रहूंगा, ठीक है. अच्छा, नोटिस करना, अब इसको और शॉर्ट भी करा जाता है, ठीक है. दिस इज समथिंग, मतलब बार बार क्या इतना लंबा नहीं लिखते, ठीक है, इतना लंबा नहीं लिखते, तो उसको शॉर्ट भी कर दिया जाता है. किस तरीके से, यहाँ पर आप नोटिस करना, दिस इज वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसको शॉर्ट में भी कैसे लिख दिया जाता है, शॉर्ट में देखना. यहाँ पर क्या करेंगे कि ये जितना कॉन्फ़िगरेशन रहेगा, ठीक है, ये किसी नोबल गैस से मैच करता है. विच नोबल गैस डज इट मैच टू, इट मैचेस टू आर्गन, ठीक है. तो इसको शॉर्ट में ऐसे आर्गन लिख देंगे, ठीक है, और उसके बाद बोल देंगे कि 4s में एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है, ठीक है. तो दिस एंड दिस, दीज आर थ्री डिफरेंट वेज इन विच यू कैन राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एटम और एन आयन, ठीक है. ऑल द थ्री आर एक्सेप्टेबल, यू विल फाइंड देम इन योर questions as you will come across, ठीक है. हाँ ईशान, मैंने ये बोला कि आप अपस्पिन या डाउन स्पिन कुछ भी छोड़ सकते हो 4s के इलेक्ट्रॉन को, चलेगा, ठीक है. आपको चाहिए अपस्पिन में लिखना है, अपस्पिन में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है. मैंने यहाँ पे अपस्पिन में लिख दिया. आपको डाउन स्पिन में छोड़ना है, डाउन स्पिन में छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है. ऐसा कोई पर्टिकुलर नहीं है कि हाँ आपको अपस्पिन में ही लिखना पड़ेगा, ठीक है. ऑलराइट, चलो एक और क्वेश्चन अब ट्राई करो, दिस टाइम यू ट्राई. मतलब ये तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया आप लोगों को, ठीक है. अब आप लोग खुद से ट्राई करो. सो ड्रॉ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ से ब्रोमीन, एटॉमिक नंबर 35. ड्रॉ करो, फटाफट ड्रॉ करो.
ऑल राइट, सो हर्षल ने हाँ करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन लिखा है। नहीं सम्यक, इसमें जस्ट एक वन एक वन अनपेड इलेक्ट्रॉन रहेगा। नहीं संयम आपका करेक्ट नहीं है। हाँ गौतम आपका सही है, राज आपका भी सही है, ईशान आपका भी सही है। राइट, सो यही चीज करा जो मैंने यहाँ पर लिखा है उस तरीके से आपको जाना है। ठीक है, सबसे पहले आपने ऑफ बाउंस रूल लगाया। ठीक है, स्टार्टिंग में आराम से जाओ, स्लोली जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आज के आज ही आपको स्पीड बढ़ाने की जरूरत नहीं है, आप कॉन्सेप्चुअली एक एक चीज समझते हुए जाओ। ठीक है, कि पहले 1s भरेगा, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, फिर 4s, फिर 3d, फिर 4p एंड देन 5s एंड सो ऑन सो फोर्थ। ठीक है, अब आपको 35 इलेक्ट्रॉन्स भरना है, तो यहाँ पे नोटिस करना, दो दो छः, दो छः, दो दस और फिर 5। ठीक है, एक्चुअली इसमें 35 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो जाएंगे, वैसे तो यहाँ 6 हो सकते हैं, बट आप यहाँ पे काउंटिंग करोगे तो 2 प्लस 2 प्लस 6 10, 10 प्लस 2 12, 12 प्लस 6 18, +2 20, 20 प्लस 10 30, 30 प्लस 5, यहाँ पर 35 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो जाएंगे। तो अगर आप इसको बॉक्स डायग्राम बनाना है आपको, तो बॉक्स डायग्राम ही बना सकते हो। ये 1s हो गया, 2s हो गया, फिर 2p के 3 इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी 3 ऑर्बिटल्स, फिर 3s, फिर 3p के 3, फिर 4s, फिर 3d के 5, 4 एंड देन 4p के 3। राइट, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिलअप होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35। ठीक है, दिस इज हाउ वी फिल द इलेक्ट्रॉन्स इन दीज ऑर्बिटल्स। अब इसमें इसको शॉर्ट में कैसे करना रहेगा, शॉर्ट में दिस मच पार्ट यू कैन रिप्लेस बाय आर्गन। ठीक है, देन उसके बाद में यू विल हैव 4s 3d फॉलोड बाय 4p। ठीक है, इस तरीके से आपको इलेक्ट्रॉन्स फिल करने रहेंगे। ठीक है, सो आई थिंक दिस शुड हैव हेल्प्ड यू अंडरस्टैंड हाउ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वुड बी इन द ऑर्बिटल्स ऑफ अ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम। ठीक है, अब एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, लेट्स टेक अ क्विक 10 मिनट्स ब्रेक एंड देन मैं आपको कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयंस के बारे में बताऊंगा। सो वी विल टॉक अबाउट द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयंस एंड प्रैक्टिस कपल ऑफ एग्जाम्पल्स इन दैट एंड देन टॉक अबाउट सर्टन एक्सेप्शंस ऑल्सो दैट आर प्रेजेंट इन दीज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। ठीक है, सो लेट्स टेक अ क्विक ब्रेक, वी विल रिज्यूम एट कितना हो गया अभी 12:40 पे आ जाएंगे। ठीक है,
All right. Let's continue with our discussion. कुछ कुछ डाउट भेजे आप लोगों ने क्या? In the case of EC of zero, why is the last orbital only with two electrons? समझ में नहीं आया. दीप दोबारा आर्टिकुलेट करो अपना डाउट. हा मान, दैट इज द केस. वी आर गोइंग टू कम अक्रॉस अ लॉट मैनी इन फ्यूचर. ऑल राइट. हाँ हृदय, क्या कहना चाह रहे हो बोलो. Sir, if the electrons are 31, like the atomic number is 31, then the shells will remain empty, na? In the end. हाँ मतलब आगे के shells तो empty रहेंगे ही सही. Okay, तो वो stable का आपने बोला था ना कि वो stable नहीं होता है. कैसे होगा वो? नहीं नहीं मतलब 31 electrons आपको fill करने हैं तो आप यहाँ पे 4 electrons कम fill करो ना. यहाँ तक आपका कितना 30 इलेक्ट्रॉन्स आ गया था तो 4B1 रहेगा बस. ठीक है सर. हाँ बोलो सर. वो ऊपर हमने जो किया था व्हेन वी आर थ्रोइंग हाइड्रोजन हाइड्रोजन एटम्स थ्रू दैट चार्ज, तो लाइक वो इलेक्ट्रॉन स्पिन की वजह से इट्स गोइंग अप और डाउन और इज इट बिकॉज़ ऑफ द मैग्नेट लाइक द टू मैग्नेट्स केप्ट देयर द बिकॉज़ ऑफ द टू मैग्नेट्स द एटम व्हिच इज आल्सो बिहेविंग लाइक अ टाइनी मैग्नेट गेट्स डिफ्लेक्टेड अप और डाउन. सर तो उसमें इलेक्ट्रॉन स्पिन का क्या रोल है? सो ओके, मैग्नेटिज्म कैसे बोला जा रहा है इज अराइजिंग बिकॉज ऑफ द करंट मूविंग इन लूप्स और सर्कल्स. यस सर. सो दैट इज व्हाट दे आर सेइंग दैट बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉन स्पिनिंग व्हिच वी कांट विजुलाइज. ठीक है, देयर इज दिस मैग्नेटिक रिस्पॉन्स दैट इज जनरेटेड टू द मैग्नेट टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड व्हिच टेक्स द एटम अप और डाउन. ओके सर, गॉट, थैंक यू. ठीक है. हाँ बोलो सर्वेश. सर इस एक्सपेरिमेंट में हाइड्रोजन एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स को ग्राउंड स्टेट में ही थे या ग्राउंड स्टेट में ही होने चाहिए ना? ग्राउंड स्टेट. हाँ हर्ष बोलो. सर हंस रूल कन्वेंशन है कि वो साइंटिफिक रीजन है उसके पीछे? नहीं नहीं है. देयर इज अ क्वांटम मैकेनिकल एक्सप्लेनेशन. इट इज टू डू विद द इंटरफेरेंस and the outcomes, but वो हमारे अभी बस का नहीं है. ठीक है सर. Not go into that detail. Okay sir. ठीक है. हाँ दीप बोलो. सर हमने ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ किया था ना उसमें सर उसमें 2p ऑर्बिटल में जो लास्ट वाला बॉक्स है ना उसी में क्यों 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, बाकी किसी में क्यों नहीं आएंगे? वही तो मैं, तुम सुनते ही नहीं हो पूरी बात. मैंने यही बोला किसी में भी डाल दो भाई, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, यहाँ पे डाल दो. ठीक है. ओके सर. ठीक है. All right. हाँ बोलो गौतम. सर वो n plus l वाला लॉ है ना, उसके अंदर n ही क्यों आता है 1s के बाद में और फिर 2 में भी 2d कैसे आएगा? नहीं समझा, दोबारा बोलो. सर n plus l के लॉ में जाओ एक्सपेरिमेंट ऊपर. हाँ n plus l का रूल में. सर वहाँ एन प्लस एल के रूल में एन ही है ना 1s के बाद में. 1s के बाद में एन और फिर 2s 2p और फिर 2d क्यों आया, फिर कट क्यों किया आपने? तो 2d नहीं एग्जिस्ट करेगा ना. हाँ तो फिर नहीं लिखा फिर भी चलेगा ना वो.
हाँ, वो तो मैं दिखा रहा था कि मतलब एग्जिस्ट नहीं करेगा, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा ना, डेफिनेटली. ठीक है, ऑल राइट, नाउ लेट्स रिज्यूम आवर डिस्कशन. सो हम लोग लास्ट क्लास में बात कर रहे थे रिगार्डिंग द, इनफैक्ट सॉरी बिफोर द ब्रेक बात कर रहे थे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम्स के बारे में. अब हम लोग डिस्कशन करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयंस. ठीक है, सो ऑल थिंग्स आर गोइंग टू बी सेम, जस्ट स्लाइट चेंजेस. ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयंस में ऑब्जर्व करना. पहले मैं बात करता हूँ एक अनायन के बारे में. ठीक है, क्या कह रहे हो कृष्णा, रूल ऑफ ड्यूअल वैलेंसी. व्हाट इज रूल ऑफ ड्यूअल वैलेंसी? नहीं नहीं मतलब आई डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज द रूल ऑफ ड्यूअल वैलेंसी. ओके, सो लेट्स देन कंटिन्यू. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयंस में लेट मी टॉक अबाउट अनायन फर्स्ट. ठीक है, अनायन के केस में क्या होगा, अनायन मतलब क्या होता है, नेगेटिव आयन. ठीक है, इलेक्ट्रॉन ऐड करा जाता है. तो यहाँ पर व्हाट यू हैव टू डू इज दैट यू हैव टू ऐड इलेक्ट्रॉन टू द लोएस्ट एनर्जी. ठीक है, सो पहले आप क्या करोगे, इनफैक्ट व्हाइल राइटिंग अनायन व्हाट यू शुड डू इज दैट फर्स्ट यू शुड राइट द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम. ठीक है, देन यू शुड राइट द और यू शुड ऐड इलेक्ट्रॉन टू द lowest energy unoccupied. ठीक है, और यू कैन से vacant orbital. सो जैसे फॉर example, अगर मैं आपको O- माइनस आयन का कॉन्फिग्रेशन ड्रॉ करने के लिए बोल रहा हूँ तो आप कैसा करोगे, आप पहले ऑक्सीजन आइटम का कॉन्फिग्रेशन ड्रॉ करोगे. ठीक है, ये ऑक्सीजन आइटम का कॉन्फिग्रेशन हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p4. ठीक है, ये ऑक्सीजन आइटम का कॉन्फ़िगरेशन हो गया. अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन आपको ऐड करना है तो आप किसी में भी ऐड कर दो, इसमें ऐड कर दो या दूसरे p ऑर्बिटल में ऐड कर दो और ये आपका 2p5 हो जाएगा. ठीक है, तो ये O माइनस का कॉन्फ़िगरेशन हो गया. अच्छा, देन कटायन का कॉन्फ़िगरेशन देखना. कटायन के कॉन्फ़िगरेशन, कटायन मतलब पॉजिटिव आयन होगा आपका. इसी तरीके से आप जाओगे. ठीक है, इसमें अगेन मिस्टेक मत कमिट करना, राइट द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम. ठीक है, पहले कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम लिखो, नाउ रिमूव इलेक्ट्रॉन. ठीक है, एंड इसमें ध्यान से ऑब्जर्व करना, रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल फर्स्ट. ठीक है, फिर उसके बाद इनर शेल्स पे आना. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट्स से इफ आई आस्क यू टू राइट द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Fe2+ आयन. ठीक है, तो पहले तो मैं आपको बता देता हूँ गलत तरीका क्या होगा. ठीक है, ये गलत तरीका होगा, यहाँ पर ऑब्जर्व करना. गलत तरीका वुड बी दैट समवन विल से दैट Fe हैज 26 इलेक्ट्रॉन, सो Fe2+ हैज 24 इलेक्ट्रॉन एंड देन दे स्टार्ट फिलिंग इन द 24 इलेक्ट्रॉन्स in the configuration of iron.
ठीक है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, ठीक है, एंड 4s2, एंड देन 3d4, ठीक है, ऐसा कर देंगे। ये गड़बड़ है, दिस विल बी द इनकरेक्ट आंसर, ऐसा नहीं करना है। ये कॉमन मिस्टेक है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं। कैसे करना है, जो करेक्ट ऑब्जर्वेशन है वो आप यहाँ पे ऑब्जर्व करना। कैसे बताया मैंने आपको, पहले आप एटम का कॉन्फ़िगरेशन लिखो, ठीक है, आयरन का, ठीक है, 26 इलेक्ट्रॉन्स आपको फिल करना है, ठीक है। इनफैक्ट चलो मैं छोटा कॉन्फ़िगरेशन लिख देता हूँ। छोटा कॉन्फ़िगरेशन कैसा रहेगा इसका, आर्गन, ठीक है, देन 4s2 एंड 3d6, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। आर्गन में 18 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो गए, देन 2 इलेक्ट्रॉन्स, 20 इलेक्ट्रॉन्स हो गए टोटल ये 4s में, और फिर 3d में 6 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, ठीक है, इसमें ये 6 इलेक्ट्रॉन्स मिल गए, आयरन का कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने हैं। कहाँ से रिमूव होंगे वो 2 इलेक्ट्रॉन्स, दिस विल बी योर आउटर मोस्ट शेल, ठीक है। सो ये आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे, तो आपका Fe2+ का कॉन्फ़िगरेशन रहेगा आर्गन, 4s एम्प्टी हो जाएगा, 4s0 एंड 3d6 रहेगा, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूंगा Fe3+ का कॉन्फ़िगरेशन बताओ, 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने रहेंगे, तो आप सेम तरीका आजमाओगे, आर्गन 2 इलेक्ट्रॉन 4s से निकल गए, ठीक है, और अब एक तीसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा, अब इसका नंबर आएगा 3d से, ठीक है। आउटर शेल पूरा खाली हो गया, फोर्थ शेल, थर्ड शेल में सब इलेक्ट्रॉन जाएगा, 3d में से पहले जाएगा, तो ये 3d5 जाएंगे। कौन सा इलेक्ट्रॉन निकलेगा, डेफिनेटली जो ये पेयर्ड अप वाला है वो इलेक्ट्रॉन निकालना रहेगा आपको, ताकि हंड्स रूल एप्लीकेबल रहे, ठीक है। दिस विल हैव 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दिस वन हैड 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दिस वन ऑल्सो हैड 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सो आई होप आपको ये कटायन का कॉन्फ़िगरेशन लिखना आया है, ठीक है। एक दो मैं एग्जाम्पल आपसे प्रैक्टिस करवाता हूँ, सो दैट वी आर ऑल ऑन द सेम पेज। सो राइट डाउन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कोबाल्ट 2+ आयन, ठीक है। आई होप आपको कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर आता है, अगर नहीं आता है तो ये आप ध्यान रखना, ठीक है। यू शुड नाउ डेफिनेटली रिमेंबर द एटॉमिक नंबर ऑफ 3d सीरीज, ठीक है, इन द पीरियोडिक टेबल, तो ये स्कैंडियम के आगे का आता है, ठीक है। सो जेड एंड इनका मैं सिंबल ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ठीक है, दीज आर एटॉमिक नंबर 21 to 30, ये आपको याद रहने चाहिए, दिस इज समथिंग यू मस्ट रिमेंबर, ठीक है। आप लोगों ने मेमोनिक्स भी सीखे होंगे इनको याद करने के लिए। सो आई एम आस्किंग यू टू ड्रॉ द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कोबाल्ट 2+ आयन एंड
कैलकुलेट द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. फटाफट फटाफट बताओ कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी रहेंगे इसमें. सो कोबाल्ट, सबसे पहले आप कोबाल्ट का कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे. कोबाल्ट का कॉन्फ़िगरेशन रहेगा आर्गन, देन 4s2 एंड 3d7. राइट, इस तरीके से आप 7 इलेक्ट्रॉन्स फुलफिल करोगे. अब कोबाल्ट 2 प्लस क्या रहेगा? You will remove these electrons, outermost electrons. So you have argon 4s0 and 3d7. So you have 3 unpaired electrons. ठीक है. समझ में आया? सिंपल ये, मतलब दिस इज अ वेरी इजी पार्ट ऑफ ड्राइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. एक बार ये सेट ऑफ रूल समझ जाओगे तो उसके बाद बहुत आसान है. ठीक है, ऑलराइट. नाउ लेट मी टॉक अबाउट द एक्सेप्शंस टू दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. हाँ, क्या डाउट है दीप तुम्हारा? नहीं, मैं समझा नहीं. ऑल द बॉक्सेस इन द ऑर्बिटल शुड बी फिल्ड. मतलब तरीका है ना, पैटर्न है ना, वो पैटर्न फॉलो करके फिल करना है. आप ये गड़बड़ मत करना. अगर आपने ये कर दिया हो कि कोबाल्ट के अंदर 27 इलेक्ट्रॉन है, दो रिमूव कर दिए तो 25 बचे, और फिर 25 को फिल करना शुरू कर दिया, ये गड़बड़ हो जाएगा. ठीक है, पहले एटम का कॉन्फ़िगरेशन लिखो और फिर उसमें से इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करो. ठीक है, नहीं हर्षल, यहाँ पर वी रिमूव द इलेक्ट्रॉन्स विच आर फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल. ठीक है, इसका रीजन एक्चुअली ये होता है दैट वेन वी आर रिमूविंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल दे एक्सपीरियंस लेसर अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस. सो दे आर रिमूव फर्स्ट, द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन रहता है. तो आप आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पहले निकालोगे, फिर उसके बाद अंदर के शेल पे आओगे. ठीक है, ऑलराइट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट एक्सेप्शंस. ठीक है, एक्सेप्शंस टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. नाउ एज सच when you will study the periodic table or when you will discuss the configuration of a larger number of elements, you find that there are certain deviations. Let's say for example, notice karna chromium z is equal to 24. iska agar aap configuration dekhoge
इसका कॉन्फ़िगरेशन आप लिखोगे 4s2 3d4, ठीक है, आर्गन 4s2 3d4, दिस इज व्हाट यू विल बी एक्सपेक्टिंग. This is the expected configuration. However, what happens is that we find the configuration of chromium to be different. ठीक है, जो ये properties show करता है chromium, इसका जो actual configuration मिलता है that is found to be 4s1 3d5. सिमिलरली आप कॉपर देखोगे, कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है 29. तो कॉपर का अगर मैं आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए बोलूंगा तो आप बोलोगे आर्गन यहां तक 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ठीक है, उसके बाद 4s इसमें दो इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, फिर 3d इसके अंदर बचे हुए 9 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, ठीक है, 18 प्लस 2 20 हो गए और 9 इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से आप इसमें फिल कर दोगे, ठीक है. सो दिस विल बी योर एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है. हाउएवर योर एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम दिस. नोटिस करना द एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन इज something in this manner, 4s1 3d10. Okay, this is the actual configuration. Now keeping this in mind, for chromium and copper we must try to understand that why is it so, why is there a change in the configuration as compared to the rules that we studied. So we will explore the reasons, we will try and understand the reasons behind this. However, let me put forward a disclaimer. Let me put forward a very, very important point while we are discussing these exceptions. You will not be asked to predict exceptions. You will be asked to remember them. Okay? Exceptions to electronic configuration are to be remembered and not predicted. Why am I making you write this point? Why am I making you write this disclaimer? Is because that I have seen that once I give the explanation of these exceptional configuration, many students try to apply those reasons in certain other examples with certain other elements. The thing is that you are not going to use these reasons to modify the configuration of any other element apart from the ones that are already known to us as exceptions. And main aapko uska reason bhi batata hu that why is it so. So यहां पर ऑब्जर्व करना, ठीक है, मैं भी लिखवाऊंगा बट लिखवाने के पहले मैं थोड़ा सा रफ में एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो पहले एक बार ध्यान से सुन लेना दैट क्रोमियम एंड कॉपर के बीच में एक कॉमन सी थीम समझ में कुछ इस तरीके से आ रही है दैट इन द एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन व्हाट वी आर सीइंग इज दैट द डी ऑर्बिटल, ठीक है, इट बिकम्स हाफ फिल्ड और fulfilled. In case of chromium,
क्रोमियम इट बिकम्स हाफ फिल्ड, इन केस ऑफ कॉपर द डी ऑर्बिटल बिकम्स फुल फिल्ड. एंड बिकॉज दीज हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स दे हैव एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी. ठीक है, तो मैं बैकग्राउंड रीजन बताऊंगा कि ऐसा क्यों है. Why is the half-filled and full-filled shell or subshell associated with the extra stability? But then what I do not want is students trying to replicate this in random examples. Jaise for example, main aapse puchunga chlorine ka configuration kya hai. Theek hai, chlorine ka atomic number 17 hoga. Theek hai, to aap draw karna shuru karoge 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. ठीक है, as per the rules. ठीक है, अब what I do not want is some extra smart student coming up and saying कि सर यहां पर देखो ना p का ये सबशेल है, इसको फुलफिल करने के लिए एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो अपन क्या करते हैं, रादर देन राइटिंग 3s2 लेट दिस बी 3s1 एंड यहाँ पे पी को फुलफिल कर देते हैं, 3p6 बोल देते हैं. तो व्हाई कांट दिस बी द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्लोरीन. यहाँ पर ये पी सबशेल फुल्ली फिल हो गया ना, तो ये तो ज्यादा स्टेबल हो गया. ठीक है, the thing is that I do not want you to do this. मैं समझाऊंगा that why this is not the correct way of approaching this. However, I want the blanket statement for you to be crystal clear. Exceptions are not to be predicted, they are to be remembered. Do not try to predict exceptions from your side saying ki are isme bhi ye half filled full filled ka logic laga ke we can have this kind of configuration. No, please be very clear, you have to remember these exceptions. Now let me get into the details of explaining these exceptions. So taking this example of chromium and copper only, okay, so let me write the statement here. These exceptions or I should say these exceptional electronic configuration are attributed to extra stability of half filled and fully filled subshells. Now, what causes the extra stability of these half filled and fully filled subshells? So I would want to use the exact statements that are there in NCRT. It will kind of clear each and every word for you, because I have seen sometimes students not able to articulate well. They try and explain, but I would want you to be very clear in terms of how this concept of half filled and fully filled subshell is going to make the atom more stable. Okay, so yahan par observe karna, let me borrow it from somewhere. मैंने कहीं ना कहीं तो लिख पाया था. हाँ, all right.
So these are the two main reasons. One is the symmetrical, yeah, मैंने NCERT से उठाया as it is. One is the symmetrical distribution of electrons and the other is the concept of exchange energy. तो अब एक एक करके समझना. पहला ये symmetrical distribution of electron क्या बताता है. So what this symmetrical distribution of electron is talking about, observe करना. That when the electrons in a subshell are completely filled or half filled, then the distribution of electrons is more symmetrical. And because of this symmetrical distribution, what happens is that their shielding of one another is relatively small. What is meant by shielding? So yahan par notice karna, in a multi electron system, in a multi electron atom, yahan par aap notice karna, nucleus is present at the center. Theek hai, the positively charged nucleus is present at the center, and then there are orbitals present around it, 1s orbital, 2s orbital, 2p orbital, 2px, 2py, 2pz, right, and so on so forth. ठीक है, so ऐसा यहां पर आप notice करो कि जो मेरे ये outer electrons है, ठीक है, दीज आउटर इलेक्ट्रॉन्स दे आर नॉट एबल टू एक्सपीरियंस द कंप्लीट चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस. वाई? बिकॉज द इनर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इनर इलेक्ट्रॉन्स स्क्रीन द न्यूक्लियस, स्क्रीन और यू कैन से शील्ड. ठीक है, अरे यार एक मिनट, आई थिंक जस्ट अ सेकंड गाइस. All right, let me redraw it again, just a second guys. So as I was saying, that you have the nucleus, okay, this is the positively charged nucleus. Now around this nucleus there are inner electrons and there are outer electrons. So ye inner electrons kya karenge, these inner electrons they shield or you can say screen the nucleus. ठीक है, बाय द आउटर इलेक्ट्रॉन्स एज अ रिजल्ट ऑफ दिस दे डू नॉट एक्सपीरियंस द कंप्लीट न्यूक्लियर चार्ज. दे शील्ड और स्क्रीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर इलेक्ट्रॉन्स दे डू नॉट
एक्सपीरियंस कंप्लीट न्यूक्लियर चार्ज. सो दिस इज लाइक इमेजिन फॉर एग्जाम्पल लेट्स से यू आर वॉचिंग अ स्ट्रीट प्ले, ठीक है, एंड सेंटर में आर्टिस्ट परफॉर्म कर रहे हैं एंड देन उसके अराउंड लोग सर्कल बना के खड़े हो गए, तो जो आउटर सर्कल के लोग रहेंगे उनको प्ले ढंग से नहीं दिखेगा बिकॉज इनर सर्कल के लोग वुड बी स्क्रीनिंग देयर व्यू और शील्डिंग देयर व्यू ऑफ द प्ले. सो उसी तरीके से ये जो इनर इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, ठीक है, दे एक्चुअली शील्ड द आउटर, शील्ड द न्यूक्लियस एंड डू नॉट लेट द आउटर इलेक्ट्रॉन्स एक्सपीरियंस द कंप्लीट न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है. हाउएवर अब यहां पर कैसे बोला जा रहा है, यहां पे एक एक वर्ड नोटिस करना कि अगर इलेक्ट्रॉन्स सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, ठीक है, इफ द इलेक्ट्रॉन्स ये जो 3D सबशेल में प्रेजेंट है, ठीक है, 3D के अंदर इट इज इफ आइदर हाफ फिल्ड, ठीक है, और फुल्ली फिल्ड, देन देयर स्पेशियल कॉन्फिगरेशन इज सिमेट्रिकल, एज अ रिजल्ट ऑफ विच these electrons they do not shield each other much, ठीक है, अगर ये fully filled है इनका configuration symmetrical हो जाता है, ठीक है, तो ये क्या होगा, they are shielding of one another, इनकी आपस में जो एक दूसरे की shielding रहेगी वो कम हो जाएगी, ठीक है, because of what reason, because of the symmetrical distribution, ठीक है, because of the symmetrical spatial distribution you can say, ठीक है, symmetrical spatial distribution, इनके आपस में एक दूसरे की shielding कम हो जाएगी, shielding कम होने से क्या होगा, the electrons will be better attracted by the nucleus, better attraction से क्या होता है, better attraction से you can say the energy released will be more, क्योंकि जब ऑपोजिट चार्जेस आपस में अट्रैक्ट करते हैं तो क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, सिस्टम ज्यादा स्टेबल होता है. सो दैट इज वन इंपॉर्टेंट रीजन व्हाई देयर इज एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी एसोसिएटेड विद फुल्ली फिल्ड एंड हाफ फिल्ड कॉन्फिगरेशन. अनदर रीजन एसोसिएटेड विद दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सचेंज एनर्जी, ठीक है. सो यहाँ पे नोटिस करना, जो हम लोगों ने थोड़ी देर पहले बात करा था कि डीजेनरेट ऑर्बिटल्स में, ठीक है, इफ इलेक्ट्रॉन्स हैव द सेम स्पिन देन दे कैन एक्सचेंज देयर पोजीशंस, तो यहाँ पर नोटिस करना द नंबर ऑफ एक्सचेंजेस दैट कैन टेक प्लेस इज मैक्सिमम व्हेन अ सबशेल इज आइदर हाफ फिल्ड और कंप्लीटली फिल्ड. जब हाफ फिल्ड है या कंप्लीटली फिल्ड है तो नंबर ऑफ एक्सचेंजेस ज्यादा हो सकते हैं एंड एज अ कॉन्सिक्वेंस दिस कॉन्फिगरेशन कैन बी मोर स्टेबल, ठीक है. इसको समझने के लिए, ठीक है, यहां पर एक छोटा सा एनालिसिस देखना ऑफ द टू कॉन्फिगरेशंस का कंपैरिजन, ठीक है, लेट्स मैं क्रोमियम ले रहा हूं यहां पर, ठीक है. सो लेट मी टेक दीज टू एग्जाम्पल्स और दीज टू कॉन्फिगरेशन ऑफ क्रोमियम एंड हम इनको कंपेयर करना चाह रहे हैं, ठीक है. सो यहां पर आप ऑब्जर्व करना, वी हैव टू कॉन्फिगरेशन, दिस वन एंड दिस वन. अब इनके बीच में डिफरेंस क्या आ रहा है, यहां पर आप नोटिस करना, लेट मी कॉल दिस कॉन्फिगरेशन वन, लेट मी कॉल दिस कॉन्फिगरेशन टू, ठीक है. तो अगर मैं कॉन्फिगरेशन वन और कॉन्फिगरेशन टू में नोटिस करूं तो आर्गन तक के जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 18 इलेक्ट्रॉन्स जो है उनका तो सबका सेम ही कॉन्फिगरेशन है, तो
तो उनका कॉन्ट्रीब्यूशन टू द एनर्जी भी सेम ही है, ठीक है, कोई अंतर ही नहीं है, आर्गन तक के इलेक्ट्रॉन्स है। अब उसके आगे देखना डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस क्या आ रहा है, दैट इन केस ऑफ क्रोमियम का फर्स्ट कॉन्फिगरेशन, ठीक है, 4s के अंदर दो इलेक्ट्रॉन है, हाउएवर सेकेंड कॉन्फिगरेशन में 4s में एक ही इलेक्ट्रॉन है और उसका इलेक्ट्रॉन कहां चला गया है, 3d में, ठीक है। सो इंस्टेड ऑफ बीइंग प्रेजेंट इन अ लोअर एनर्जी ऑर्बिटल, 4s का एनर्जी क्या है, लोअर है, सो इंस्टेड ऑफ बीइंग प्रेजेंट इन अ लोअर एनर्जी ऑर्बिटल द इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन अ हायर एनर्जी ऑर्बिटल, इससे क्या हो गया, इससे एनर्जी बढ़ गया, ठीक है, हमको एनर्जी बढ़ा हुआ नहीं चाहिए, ठीक है, बट क्योंकि इलेक्ट्रॉन 4s में नहीं प्रेजेंट है, 3d में चला गया, तो उसकी वजह से एनर्जी बढ़ गया। हाउएवर यहां पर जाने की वजह से, ठीक है, आप नोटिस करना, बिकॉज द इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन 3d, नंबर ऑफ एक्सचेंज पेयर्स बढ़ गए, ठीक है, पहले यहां पर आप नोटिस करना 3+2+1, ठीक है, 6 एक्सचेंज पेयर्स ही थे, ठीक है, एक्सचेंज पेयर्स की काउंटिंग समझ में है कैसे हुआ, ये एक इलेक्ट्रॉन इन तीन के साथ में अपनी पोजीशन एक्सचेंज कर सकता है, तो कितने एक्सचेंज पॉसिबल हुए, 3, ठीक है, फिर ये दूसरा वाला बाकी तीन के साथ कर चुका है, कर सकता है, बट इसके साथ तो मैं डबल काउंट नहीं करूंगा ना, ये वाला फर्स्ट और सेकंड का एक्सचेंज तो मैं ऑलरेडी काउंट कर चुका हूँ, तो सेकंड वाला थर्ड और फोर्थ के साथ में कर सकता है, तो दो और एक्सचेंज पेयर पॉसिबल है, और वैसे ही थर्ड वाला फर्स्ट और सेकंड के साथ मैं काउंट कर चुका हूँ, थर्ड वाला फोर्थ के साथ में एक्सचेंज कर सकता है, तो एक और एक्सचेंज पॉसिबल है, ठीक है, तो कितने एक्सचेंज हो गए यहाँ पे, 6 एक्सचेंज पेयर हो गए। बट इस कॉन्फिगरेशन में, ठीक है, 3d5 में अब आप नोटिस करना, ये पहला इलेक्ट्रॉन दूसरे तीसरे चौथे और पांचवे के साथ में एक्सचेंज कर सकता है, यानी कि 4, फिर ये दूसरा वाला पहले के साथ में तो मैंने काउंट कर लिया, तो दूसरा वाला तीसरे के साथ में, चौथे के साथ में, पांचवे के साथ में मैं काउंटिंग कर रहा हूँ, तो +3, फिर ऐसे ही मैं चलता जाऊंगा, तो +2+1, देयर विल बी 10 एक्सचेंज पेयर्स। नाउ नंबर ऑफ एक्सचेंज पेयर बढ़ गए, और एक्सचेंज पेयर बढ़ने की वजह से एक्सचेंज एनर्जी रिलीज हुई, एक्सचेंज एनर्जी रिलीज हुई तो उसकी वजह से हो सकता है एनर्जी ऑफ द सिस्टम केम डाउन, एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एनर्जी दैट केम डाउन कुड हैव बीन ग्रेटर देन द एनर्जी का इंक्रीज दैट हैपेंड इफ द इलेक्ट्रॉन वेंट फ्रॉम 4s टू 3d। तो क्या हो गया, ये जो इंक्रीज एक्सचेंजेस हैं, दे कॉम्पेंसेटेड, दीज इंक्रीज एक्सचेंजेस दे कॉम्पेंसेटेड फॉर द इंक्रीज इन एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन गोइंग फ्रॉम 4s टू 3d। एंड एज अ नेट रिजल्ट, ठीक है, द सेकेंड कॉन्फिगरेशन वुड हैव बीन मोर stable. Now, why am I saying would have been more stable? Is because मुझे यहाँ पर एनर्जी की कैलकुलेशन नहीं करनी आ रही है, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं आपको यहाँ पर मतलब काउंटिंग करके वैल्यू करके बता रहा हूँ कि यू नो ये 10 जूल ऊपर गया और फिर ये 12 जूल नीचे आया तो नेट इफेक्ट तो नीचे जाना हो गया, तो दैट इज वाई द सेकेंड कॉन्फिगरेशन इज मोर स्टेबल। ये एनर्जी का कैलकुलेशन हमको नहीं करना आता है, ठीक है। However, this is the balance or this is the net effect which accounts for what the final configuration would be. ठीक है, सो जैसे क्लोरीन का केस है, तो क्लोरीन के केस में, ठीक है, जैसे मैंने आपको क्लोरीन का एग्जाम्पल बताया, तो क्लोरीन के केस में भी आप बोल सकते हो कि ठीक है, कैन वी कंपीट दीज टू कॉन्फिगरेशंस, ठीक है, सो देयर विल बी टू कॉन्फिगरेशन, एक रहेगा नियॉन
3s2, 3p5, ठीक है। और एक कॉन्फ़िगरेशन आप बोल सकते हो कि ये रहेगा नियॉन 3s1, 3p6, ठीक है। अब यहां पे नोटिस करना दैट यहां पर हो सकता है दैट द इंक्रीज इन एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन ठीक है व्हेन इट गोज फ्रॉम 3s टू 3p वो ज्यादा हो ठीक है, एंड जो एक्सचेंज एनर्जी का कॉम्पनसेशन आया हो एक्सचेंज एनर्जी का कॉम्पनसेशन कम हो। तो एज अ रिजल्ट हमें जो कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा वो यही वाला मिल रहा है ठीक है। मे बी द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ एक्सचेंजेस इजंट कॉम्पनसेटिंग फॉर दिस इंक्रीज और जंप इन द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 3s टू 3p। क्रोमियम के केस में एंड कॉपर के केस में द इंक्रीज एक्सचेंजेस मे बी कॉम्पनसेटेड फॉर दिस जंप ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 4s टू 3d। एंड दैट इज द रीजन आई एम सेइंग कि आपको एनर्जी कैलकुलेशंस नहीं आते हैं, आपको एनर्जी कैलकुलेशंस पूछे ही नहीं जाएंगे, तो आपका काम प्रिडिक्ट करना नहीं रहेगा ठीक है। यू डोंट हैव टू डू द प्रिडिक्शंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। यू हैव टू रिमेंबर दैट हाँ इन केस ऑफ क्रोमियम एंड कॉपर दीज आर द एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन ठीक है। सिमिलरली दो तीन एग्जाम्पल और है जो मैं बोलूंगा आपको याद रखने के लिए ठीक है। यहां पर लेट मी जस्ट हाईलाइट दोज कपल ऑफ मोर एग्जाम्पल्स विच आर देयर। तो आपको ध्यान रखना इस चैप्टर में तो क्रोमियम कॉपर ही काफी है ठीक है। इन दिस चैप्टर क्रोमियम एंड कॉपर आर इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर बट देर आर अ फ्यू मोर नोटेबल एग्जांपल्स। ये इस चैप्टर में काम नहीं आएंगे बट आगे जब मैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज चैप्टर कराऊंगा तब जरूर काम आएंगे। तो यहाँ पर नोटिस करना फ्यू नोटेबल एक्सेप्शंस इन डी ब्लॉक ठीक है। एंड आप इनके कॉन्फ़िगरेशन लिख के लेके आना ठीक है। राइट द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दीज एलिमेंट्स। सो यू हैव पैलेडियम सिल्वर ठीक है प्लैटिनम एंड गोल्ड ठीक है। और भी रहते हैं बट ये तो मैं अगले पीरियोडिक प्रॉपर्टीज चैप्टर में भी यूज करूंगा ठीक है। तो ये आप जरूर इनके कॉन्फ़िगरेशंस लिख के आना। एक तो ऑफबाउ प्रिंसिपल से लिखने की कोशिश करना और एक जो एक्चुअल रहेंगे ठीक है। तो ये ट्राई करना and then we will resume our discussion from here only in the next class. कल ही है यहीं से start करेंगे ठीक है। तो इसमें मैं थोड़ा सा पार्ट आपको और बताऊंगा फिर मैं इसका होमवर्क भी आपको दूंगा ठीक है। ऑल राइट हाँ नाउ अब आपके कुछ कुछ डाउट रहेंगे एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। गौतम क्या बोल रहे हो? सर ये समझा कि एनर्जी लेवल और कम ज्यादा होता है फिर ये लोग को कम करने के लिए, पर डिसाइड कैसे किया वो लोग ने, मतलब पता कैसे चला वो लोग को? नहीं तो पहले जो पता पड़ा होगा ना वो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन से पता पड़ा होगा।
बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. और इन सब में कुछ कॉमन होता है जो भी एक्सेप्शन होता है? कॉमन थीम इज जैसे मैंने आपको बताया ना कि यहाँ पर एक्सचेंज पेयर्स बढ़ जाते हैं. ठीक है, तो प्राइमरीली द रीजन एट्रिब्यूटेड इज दैट दिस कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सचेंज बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स इज समथिंग दैट स्टेबलाइजेस द एटम. ओके, ठीक है. हाँ बोलो सर्वेश. सर आपने कल वो डीजेनरेसी पढ़ाया था तभी उसमें दो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम और सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के डायग्राम सिखाए थे ना? उसमें एक डाउट है, मतलब पूछना है. क्या डाउट है? मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में अगर हमें सेकंड एक्साइटेड स्टेट पूछा है, स्टेट की डीजेनरेसी, तो हमें 3 लिखना है, मतलब क्योंकि ये तीन और ओके, सो n प्लस l पर डिपेंड करता है. ठीक है. हाँ नमन बोलो. सर मुझे हाइजेनबर्ग्स प्रिंसिपल में डाउट है. क्या डाउट है? सर आपने बोला था कि अगर हम पहले अगर पोजीशन एक्यूरेटली निकालेंगे तो मोमेंटम इनएक्यूरेट आएगा, और मोमेंटम याद निकालेंगे तो पोजीशन इनएक्यूरेट आएगी ना. तो अगर हमें वो उस इक्वेशन को दो बार परफॉर्म करें, पहले पोजीशन एक्यूरेटली निकालने की कोशिश करें और फिर मोमेंटम, तो उस इक्वेशन को दो बार परफॉर्म करने से दोनों सही आ सकता है ना? हाँ बट आपका गड़बड़ हो गया ना ऑब्जर्वेशन. द थिंग इज दैट द स्टेटमेंट सेज दैट यू कांट डिटरमाइन बोथ ऑफ देम साइमल्टेनियसली. साइमल्टेनियसली वर्ड कैच है उसमें. ओके, दैट यू कांट डिटरमाइन द पोजीशन एंड मोमेंटम साइमल्टेनियसली. ओके हाँ बोलो हर्षल. सर वो मुझे वो आपने लास्ट क्लास में वो एक वीडियो भेजा था ना कि आपने बोला था कि यू कैन सी, पर वो मेरा लिंक निकल गया था. सो इफ यू कुड सेंड इट अगेन. कौन सा लिंक भेजा था? सर आपने बोला था एक वीडियो है, इफ यू वांट टू सी यू कैन सी लाइक इन योर फ्री टाइम. हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के ऊपर था क्या वो वाला? हाँ सर शायद उस पे ही था. अच्छा ठीक है, तो मुझे व्हाट्सएप पे पिंग कर देना, मैं ढूंढ के बताता हूँ कौन सा. मेरे को भी एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा अभी. ओके थैंक यू. हाँ बोलो कृष्णा. सर आई वाज आस्किंग दैट जैसे कॉपर का दो वैलेंसीज एग्जिबिट होता है, सी यू टू प्लस और सी यू वन प्लस. हाँ क्योंकि है ना वो लास्ट शेल से पेनल्टीमेट शेल में जंप करता है. तो अब यहाँ पे तो अपन ऑर्बिट्स डिस्कार्ड हो गया, ऑर्बिट रूल, तो ऑर्बिटल्स में फिर ड्यूअल वैलेंसी वाला रूल डिस्कार्ड हो जाएगा क्या? नहीं ऐसा ड्यूअल वैलेंसी वाला मतलब हो सकता है ना, अभी भी वेरिएबल वैलेंसी हो सकता है, ऐसा थोड़ा ना मना करा है. जैसे मैंने भी आपको एफ ई टू प्लस एफ ई थ्री प्लस का कॉन्फिगरेशन बताया. पर यहाँ पे तो सर मतलब सेकंड लास्ट और ऑर्बिट से ऑर्बिटल्स तो है ही नहीं ना. मतलब सर कि वो जैसे लास्ट शेल से सेकंड लास्ट शेल या कोई भी शेल में जंप करता था. जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपके सामने अभी ये कॉन्फ़िगरेशन लिखा कॉपर का. ठीक है, ये एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन है. ठीक है. हाँ यस सर. अब इसमें से मुझे कॉपर टू प्लस आयन बनाना है, तो मैं एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव करूंगा. ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव करूंगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव कर दूंगा कोई सा भी एक, तो मेरा कॉपर टू प्लस का कॉन्फ़िगरेशन हो गया. तो सर मतलब अभी भी वेरिएबल वैलेंसी एग्जिबिट करता है? हाँ हाँ, वेरिएबल वैलेंसी एग्जिबिट करना या नहीं करना वो तो एलिमेंट की प्रॉपर्टी है.
और सर एक और डाउट कि इलेक्ट्रॉन जैसे एक वेव होता है, हाँ, तो सर मतलब शेल्स तो मतलब एक पर्टिकुलर शेप सर्कुलर शेप के होते थे, तो उसमें उनका वेव्स एकदम मतलब फर्स्ट शेल में उनका एक वेव आता, तो सर ऑर्बिटल्स में उनका कैसा वेव आएगा? हाँ, थोड़ा सा रुक जाओ, ये मैं आपको ना टुवर्ड्स द एंड ऑफ द चैप्टर बात करता हूँ। ये मैंने मतलब क्वांटम मैकेनिकल मॉडल का एक इंट्रोडक्शन पार्ट जो है ना वो मैंने बाद के लिए रखा हुआ है टू हेल्प यू विजुअलाइज थिंग्स बेटर। मैंने अभी के लिए इसको होल्ड पे रखा हुआ है दैट आई विल बी जस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल टेकिंग द रिजल्ट्स, हेल्पिंग यू सॉल्व क्वेश्चंस, एंड फिर मैं आपको थोड़ा सा ये विजुअलाइजेशन में हेल्प करूंगा। ठीक है, थोड़ा सा रुक जाओ टुवर्ड्स द एंड। ठीक है, ऑल राइट। हाँ हृदय, तुम बताओ तुम्हारा कौन सा डीपीपी का डाउट है फटाफट। एक मिनट, लेट मी अनम्यूट यू। सो आई डिड नॉट अंडरस्टैंड डीपी में बाइंडिंग एनर्जी और इंड्यूस्ड रेडिएशन का मीनिंग क्या होता है। बाइंडिंग एनर्जी सेम एज वर्क फंक्शन या आयनाइजेशन एनर्जी मान लो। ठीक है, इंड्यूस्ड रेडिएशन मीन, तो इंड्यूस्ड रेडिएशन मतलब जैसे उसमें ऐसा बोला होगा कि एक हाइड्रोजन का एटम है, ठीक है, उस पर रेडिएशन स्ट्राइक किया, ठीक है, और उसमें इलेक्ट्रॉन एन इक्वल टू वन से एन इक्वल टू थ्री में एक्साइट हो गया। ठीक है, बट अब ये इसका नेचुरल स्टेट नहीं है, तो ये डी एक्साइट होकर वापस ग्राउंड स्टेट पे आएगा। तो ग्राउंड स्टेट पर ये या तो डायरेक्टली आ सकता है या इनडायरेक्टली भी आ सकता है। सो ऑल दीज रेडिएशंस दे आर इंड्यूस्ड रेडिएशंस बिकॉज ऑफ द एक्साइटेशन दैट वी डिड। Okay. So that induced radiations are coming back from the excited state to ground state. हाँ हाँ, ये अब जो भी यहाँ पर photons emit होंगे वो सब induced radiations हैं। And DPP 8 का question 5 नहीं है। DPP 8 का question number 5. DPP 8 mole concept. 18 sorry 18. आपको काउंटिंग करनी पड़ेगी, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन हो गया। इस तरीके से दैट यहाँ पे बोला जा रहा है दैट इलेक्ट्रॉन मेक्स अ ट्रांजिशन फ्रॉम एन इक्वल टू सिक्स टू एन इक्वल टू वन। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 एंड 10 डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस आर ऑब्जर्व। डेल्टा एन कितना हो गया यहाँ पर? डेल्टा एन 5 हो गया। तो मैक्सिमम स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी ऑब्जर्व होंगी? 15 ऑब्जर्व होंगी। तो 10 स्पेक्ट्रल लाइन चाहिए। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ एटम्स टू प्रोड्यूस 10 डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस। तो मान लो एक एटम तो ऐसे, ये क्रूड काउंटिंग ही है, ठीक है, कोई फॉर्मूला नहीं है यहाँ पे, देयर इज नो फॉर्मूला। मुझे 10 स्पेक्ट्रल लाइंस चाहिए और कम से कम एटम में चाहिए। तो मान लो एक एटम ऐसे डीएक्साइट हो गया, ठीक है, तो 5 स्पेक्ट्रल लाइन तो हो गई। ठीक है, फिर दूसरा एटम मान लो, दूसरा एटम कुछ इस तरीके से चला गया, दिस एंड दिस, ठीक है, दो स्पेक्ट्रल लाइन और आ गई। फिर तीसरा एटम मान लो इस तरीके से चला गया, ठीक है, ये सब मैं यूनिक फोटॉन्स बना रहा हूँ, तो दो और स्पेक्ट्रल लाइन आ गई।
ठीक है, और फिर एक और स्पेक्ट्रल लाइन चाहिए मुझे, तो मे बी इस तरीके से आ जाए, ये वाला तो रिपीट हो गया, ये वाला भी रिपीट हो गया, बट ये वाला नया है, ठीक है, या फिर पूरा का पूरा भी डीएक्साइड हो सकता, पूरा पूरा भी डीएक्साइड हो सकता है, फोटॉन हो जाएगा, तो एक दो तीन चार, चार एटम तो लग रहे हैं मुझे, ठीक है। अब अगर आप सोच सको कि थ्री एटम्स में क्या आप मुझे दस लाइन दिखा सकते हो, तो थोड़ा और दिमाग लगाना पड़ेगा, अदरवाइज आई विल से द आंसर इज फोर, ठीक है, काउंटिंग ही करनी है इसको, मतलब देयर इज नो फॉर्मूला। ठीक है, देन क्या पूछ रहे हो गौतम, डीपीपी 18 में क्वेश्चन थ्री, डीपीपी 18 में क्वेश्चन थ्री, अ सैंपल ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इन अ पर्टिकुलर एक्साइटेड स्टेट N2 एंड इट गोज टू N1 एंड 10 स्पेक्ट्रल लाइंस, द चेंज इन, तो दो इक्वेशन दो वेरिएबल हो गए ना इसमें, ये थर्ड क्वेश्चन में आपके दो इक्वेशन दो वेरिएबल हो गए, एक तो ये हो गया कि N2 माइनस N1 जो है, ठीक है, जो आपका, सॉरी एक सेकंड, N2 माइनस N1 जो है वो Y हो जाएगा, ठीक है, एंड ये डेल्टा N इंटू डेल्टा N प्लस 1 अपॉन 2, ये आपका 10 है, तो डेल्टा N का वैल्यू 4 होगा ना, तो ये Y का वैल्यू 4 आ गया ना, मतलब ये डेल्टा N, इसमें क्या डाउट था, सिंपल ही तो है, ठीक है। विवेक मुझे एक बार व्हाट्सएप पे पिंग करो ना, वो उसमें लास्ट टाइम मैंने ओपन करा था उसमें रह गया वो, इट्स स्किप्ड माय माइंड, पिंग मी ऑन व्हाट्सएप, ठीक है। नहीं नहीं अली, ऐसे सारे एनर्जी नहीं, पहले चार पांच याद रहेंगे तो बेटर है, फर्स्ट 4-5 आर मोर देन गुड। अच्छा, देन डीपीपी 15 का क्वेश्चन नंबर 6, इसमें कहाँ अटक गए ईशान, ये तो इजी है, ये तो बुकलेट का ही क्वेश्चन है, गेट इक्विप टू मेन का आई थिंक पहला है, दूसरा है, तीसरा कोई क्वेश्चन है जो तुमने पूछा ना ईशान अभी, डीपीपी 15 का क्वेश्चन नंबर 6, डीपीपी 15 का ही पूछा ना, नहीं सॉरी मैंने गलत खोल दिया, डीपीपी 15 का पूछा तुमने, माय बैड, इसमें हाँ तो ये तो आपको पता होना चाहिए ना, मैंने बताया था इसमें बामर सीरीज में पहली चार लाइन विजिबल रहेंगे ना, अच्छा नहीं बामर से, ये तो हाइपोथेटिकल हाइड्रोजन एटम है, तो इसमें एनर्जी वाइज अरेंज कर दो ना, अरेंज देम एनर्जी वाइज, रेड विल हैव लीस्ट एनर्जी, वायलेट विल हैव द ग्रेटेस्ट एनर्जी,
ठीक है, देन डीपीपी 9 में कौन सा पूछ रहे हो? डीपीपी 9 मूल कंसेप्ट, अच्छा सॉरी डीपीपी 18 का क्वेश्चन नंबर 9, डीपीपी 18 का क्वेश्चन नंबर 9, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द एनएच ऑर्बिट, तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट क्रस्ट, मतलब लैम्डा पूछा और क्या पूछा है? ये तो डेफिनेशन होती है वेवलेंथ की, ठीक है? देन क्या कह रहे हो कृष्णा? 6 अगस्त फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के लेक्चर 5 में एक क्वेश्चन आपने मैच द कॉलिंग का करवाया था, उसमें एक डाउट है। अरे बाप रे, 6 अगस्त फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, रुको तुम पहले हैंड रेज करो, मैं तुम्हें अनम्यूट करता हूँ, फिर तुम बोलना। 6 अगस्त कहाँ गया? 6 अगस्त, ये वाला, क्या डाउट है इसमें? सर बी वाले में इंटेंसिटी को इतना डिक्रीज कर दे कि मतलब सैचुरेशन करंट मतलब फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टॉप हो जाए तो क्यों भी आ सकता है ना सर? इंटेंसिटी ऑफ द लाइट इज डिक्रीज्ड व्हाइल द फ्रीक्वेंसी इज कांस्टेंट, टोटली डिक्रीज कर दे तो? अरे डिक्रीज कर दे मतलब ऐसा कि जीरो कर दो तो फिर बात अलग है, मतलब जीरो नहीं करना ना, बट इवन इफ देर आर सम फोटॉन्स that are going, then those photon can eject the electron. यही तो principle of quantization है, that even if few photons are going, ठीक है, overall energy beam, overall जो light beam है उसका energy बहुत ही कम होगा because बहुत ही कम photons उसमें होंगे, but तब भी वो photon sufficient है electron निकालने के, तो वो निकाल देंगे। All right, then क्या पूछ रहे हो प्रशस? डीपीपी 17 का क्वेश्चन नंबर 8, डीपीपी 17 क्वेश्चन नंबर 8, सिंगल आइसोलेटेड एटम इलेक्ट्रॉन मेक्स ट्रांजिशन फ्रॉम फोर्थ एक्साइटेड स्टेट, मतलब n इक्वल टू 5 से ग्राउंड स्टेट, producing maximum number of wavelengths, तो मतलब step by step आ रहा होगा, ठीक है, क्योंकि isolated atom है और वो maximum possible spectral lines कब करेगा, जब step by step आएगा, तो step by step में अब lowest energy कौन सा रहेगा? 5 से 4 lowest रहेगा and then 4 से 3, ठीक है, अब 4 से 3 वाला एक्साइट करने में यूज हो रहा है लिथियम के आयन को, तो वो लिथियम का 9 से 12 का ट्रांजिशन करा पाएगा ना? बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। तो ठीक है, हाँ ठीक है, फोटोन एफिशिएंसी, फोटोन एफिशिएंसी इज नॉट समथिंग जो अभी आपके काम का है अली, मतलब इट इज एक्चुअली इट टॉक्स अबाउट कि कितने इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे एज पर कितने फोटॉन्स हम लोग स्ट्राइक कर रहे हैं,
मतलब थियोरेटिकली स्पीकिंग वी से दैट 100 फोटॉन्स शुड इजेक्ट 100 इलेक्ट्रॉन्स बट प्रैक्टिकली वी डोंट फाइंड दैट मतलब इट मे सो हैपन दैट सम फोटॉन्स दे आर नॉट एबल टू इंटरैक्ट विद द इलेक्ट्रॉन दे जस्ट पास बाय ठीक है सो दैट इज फोटॉन एफिशिएंसी बट वो अभी आपके लिए काम का नहीं है सो डोंट वरी अबाउट इट हाँ दीप सैचुरेशन करंट क्या है सैचुरेशन करंट ये मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था दैट जब हम लोग फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रहे हैं तो जस्ट आफ्टर द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ अभी क्या है इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हुए हैं बट उनकी काइनेटिक एनर्जी इतनी नहीं है कि वो अपोजिट साइड पे पहुंच पाए ठीक है मे बी दे लूज एनर्जी इन बिटवीन बिकॉज ऑफ सम कोलिजंस और समथिंग ठीक है सो ओनली व्हेन वी इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी पोस्ट थ्रेशोल्ड वेवलेंथ थोड़ा उसके आगे इंक्रीज करेंगे और तो हमें एक करंट का मैक्सिमम वैल्यू ऑब्जर्व होगा विच इज व्हाट इज कॉल्ड एज द सैचुरेशन करंट ठीक है यहां पर आगे क्या हो जाएगा अब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स ऑपोजिट साइड रीच कर पा रहे हैं एंड एज अ रिजल्ट वी आर एबल टू सी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट दैट कैन बी देयर ठीक है बोलो अली क्या डाउट है तुम्हारा सर आपने वीडियो सॉल्यूशन में एंगुलर एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला दिया है वी स्क्वायर बाय आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर बाय आर तो डिराइव कैसे हुआ एक्चुअली वो सर्कुलर मोशन पढ़ोगे फिजिक्स में तब आ जाएगा अभी छोड़ दो आप उसको फोर्स के बराबर कर लो वो सर्कुलर मोशन पढ़ाएंगे तब आएगा बोलो अली सर मुझे FBO 41 में एक चीज पूछना है सर उधर उन लोगों ने लिखा है दैट व्हाट इज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ लाइन इन द पास्टियन सीरीज ऑफ Li2+ ion तो उसमें हम जो फॉर्मूला लगाते हैं कि 1/λ = r और वो सब सर तो उसमें जब आंसर आता है तो वो 1/λ में ही रहता है तो हम लोग को लैम्डा को ऊपर लाके नहीं देना है आंसर कि 1/λ वेवलेंथ पूछा है तो लैम्डा में ही दो ना अगर वेव नंबर पूछा है तो 1/λ ही होगा सर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ लाइन वेव नंबर होता है कि वेवलेंथ देख लेते हैं क्वेश्चन का लैंग्वेज क्या है FBO का 41 कह रहे हो जी सर FBO 41 व्हाट इज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ हां तो लैम्डा ही होगा ना सर तो उन लोग ने 1/λ में आंसर दिया है इसका आंसर सी ऑप्शन होगा 1/r जी सर तो 1/λ = 1/r आता है नहीं नहीं 1/λ = r आता है ना अरे सर कैसे आप दिखा सकते हो 1/λ = rz² 1/3² - 1/∞² और ये z² भी हाँ जी सर सॉरी सॉरी सर बराबर सर ठीक है शुक्रिया सर सर बाकी कोई मैक्सिमम स्पेक्ट्रल लाइंस दे रहेंगे तो फिर उनके एटम कैसे ढूंढते हैं मतलब कोई भी ढूंढने रहेंगे तो फिर मतलब H प्लस का नहीं तो फिर H प्लस टू का नहीं समझा मैं अभी मैक्सिमम स्पेक्ट्रल लाइन दिया था ना एक क्वेश्चन में और उनके एटम पूछे थे ना ढूंढने के लिए वो काउंटिंग है उसमें काउंटिंग ही करनी पड़ेगी उसका फॉर्मूला नहीं अच्छा ठीक है और कुछ किसी को पूछना है अभी नहीं अभी डेरिवेशन की जरूरत नहीं है आपको याद करने की जो बोर्स मॉडल में डेरिवेशन कराए थे अभी के लिए चलेगा अगर वो नहीं भी याद है इट्स ओके बाद में जरूर काम आएंगे बाद में यू विल हैव टू
वर्क ऑन देम. ठीक है, हाँ बोलो दीप. जो सैचुरेशन करंट है ना वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट से उसका रिलेशनशिप एक बार एक्सप्लेन करो ना. इंटेंसिटी का रिलेशनशिप होता है नंबर ऑफ फोटॉन्स से. ठीक है, अब अगर मैं नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ा दूंगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ जाएंगे. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए तो मेरा सैचुरेशन करंट भी बढ़ जाएगा. बस इतना सा है. ठीक है, हाँ ऑल राइट. देन और किसका क्या डाउट है? ठीक है, तो फिर क्लोज करें आज का सेशन. क्या पूछा तुमने प्रशस्त? इज देयर अ रॉन्ग आंसर मार्क इन द आंसर की फॉर द टॉपिक्स वगैरह? पता नहीं क्या है ये सब मत पूछो मुझसे यार. रॉन्ग आंसर मार्क इन आंसर की, तो रॉन्ग आंसर मार्क किया तो मार्क्स क्यों मिलेंगे उस चीज के? ठीक है, चलो ऑल राइट देन. आई थिंक आप लोगों का इस हफ्ते टेस्ट है एटॉमिक स्ट्रक्चर का कुछ स्टूडेंट्स का, या अच्छा 20th सितंबर को है. ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट. कुछ पूछना चाहते हो सर्वेश? सर पैटर्न क्या होगा मतलब टेस्ट का? मोस्टली मतलब सिंगल चॉइस ही होगा आई थिंक. क्या कह रहे हो अली? सर हम लोग को जो इतने सारे कॉन्स्टेंट्स आपने सिखाए है सर वो सब याद होना चाहिए कि वो क्वेश्चन में दिया होगा के कैसे यूज करने का. देखो जे का पेपर जो होता है ना उसमें तो मिल जाता है, वो इंस्ट्रक्शंस में लिखे हुए आते हैं, बट अभी बेस पेपर में कम काम है. और ज्यादा थोड़ी ना है, कितने से ही है यार, मतलब मुश्किल से 5-7 होंगे. लिख लो जी सर, वो पेपर पे लिख के दीवार चिपका दो, आते जाते देख लेना याद रह जाएंगे, इतना डिफिकल्ट नहीं रहता सर. और बहुत सारे क्वेश्चंस में ये एफबीओ में और डीपीबी में बहुत लंबे कैलकुलेशंस होते हैं, तो नॉर्मली तो नहीं रहेंगे ना ये टेस्ट में और पेपर में. ये रिलेटिवली कैलकुलेशंस विल बी इजीियर. जी सर, शुक्रिया. ठीक है, चलो देन लेट्स क्लोज टुडे सेशन. भूख लग रही है मुझे बहुत जोर से, आप लोग भी खाना खाओ. फिर हम लोग कल वापस मिल ही रहे हैं, कल हमारा वापस से क्लास है ही सही. चलो देन, टेक केयर गाइज़.